अच्छा भाई, हम लोगों का जो लेक्चर चल रहे थे ना रिवीजन के लिए, उसके अंदर आज हम लोग जो चैप्टर या जो लेक्चर पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह डील कर रहा होगा मॉडर्न फिजिक्स से। ठीक है। अच्छा, अगर आप इस मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट को अपने सिन बोर्ड के अंदर देखोगे तो सिन बोर्ड के अंदर आपको ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर मिलता है सिन टेक्स्ट बोर्ड के नाम। सिन टेक्स्ट बोर्ड के अंदर आपको ये मिलेगा डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स की सुबह। ठीक है। और अगर आप यही चीज जो है ना बाकी के अंदर देखोगे तो वहां पे आपको एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से मिलेगा। ठीक है। तो ये वैसे ही एक बात थी। ठीक है। तो डॉन और एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक हो गया। बल इसके अंदर हमने डिस्कस क्या करना है, पहले टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, मॉडर्न फिजिक्स का ये जो चैप्टर है ना, इससे पहले हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स चल रही थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं अगर मैं 1-2 मिनट का, ताकि ये चैप्टर की कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो मेन डोमिनेटिंग लॉज होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। जो 3 लॉज ऑफ मोशन है जो हमने फोर्स एंड मोशन में डिस्कस किए हैं, जिनसे हमारी पूरी पूरी मैकेनिक्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है। पूरी ना भी हो तो आधे से ज्यादा मैकेनिक्स तो ऑब्वियसली से हो ही जाती है। ठीक है। पूरी कहना तो फिर गलत हो जाएगा, लेकिन आधे से ज्यादा मैकेनिक्स ऑब्वियसली से हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास जो है ना दो मेजर थ्योरीज आती हैं। एक हमारे पास प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी आती है, और एक हमारे पास आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, जो कि तमाम तर कॉन्सेप्ट को चेंज कर देती है। ठीक है। तो वो हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है, एक बात। दूसरी बात, इससे पहले मॉडर्न फिजिक्स से पहले आपके पास जो लाइट था ना, लाइट जो विजिबल लाइट होती है, जो हमें नजर भी आ रही होती है, लाइट को हम लोग समझा करते थे या लाइट को हम पढ़ा करते थे कि लाइट बेसिकली एक अदद क्या है, हमारे पास वेव है। तो हमारे पास क्लास 11 के अंदर जो हमारा एक चैप्टर है ना नेचर ऑफ लाइट का, उसके अंदर हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, चाहे वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो एक्सरे डायफ्रेक्शन हो, चाहे वो डायफ्रेक्शन हो सिंपल, चाहे वो आपके पास ब्रेग्स लॉ हो, या आपके पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर हो, या आपके पास न्यूटन रिंग्स हो, ये सब का सब लाइट की वेव नेचर को एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है। ये सब का सब हमारे पास लाइट की वेव नेचर को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आप ये देखोगे, क्योंकि हमें ये पता है ना लाइट का ड्यूअल कॉन्सेप्ट है कि लाइट कैन बिहेव एज पार्टिकल्स एज वेल एज वेव। तो अब जाहिर सी बात है, अगर एक साइंसदान कहता है या एक फिजिसिस्ट कहता है कि आपके पास जो लाइट है वो बिहेव कर रही है एज ए वेव, तो अल्टीमेटली वो अपने इस जो भी इसने एक दावा किया है, इस दावे के सपोर्ट में वो एक्सपेरिमेंट देगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई बंदा कह रहा है कि लाइट कैन बिहेव लाइक पार्टिकल्स, तो वो इसके सबूत में भी कुछ ना कुछ क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट देगा। तो इस चैप्टर में आपको एक्सपेरिमेंट भी देखोगे कि लाइट अगर पार्टिकल से मिलके बनी है, जो कि फोटॉन्स है, उनको देखेंगे हम फोटॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, तो वो क्या क्या उसके सबूत हैं या क्या एक्सपेरिमेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन्स इफेक्ट है, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनाइहिलेशन का कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल नेचर वाला, वो सब का सब हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो ये सब का सब हमने इसके अंदर देखना है। अच्छा, अब हमारे पास पहली चीज है इसके अंदर हमारे पास, वो हमारे पास है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। जो हमारे पास आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। ठीक है। सबसे पहली चीज इज द बेसिक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। अच्छा, आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी ना, उसके दो पार्ट थे, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। हमारे कोर्स में सिर्फ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शामिल है, और ये अच्छी बात है क्योंकि ये ज्यादा आसान है। ठीक है। चलो, आइंस्टाइन ने सबसे पहले, अच्छा, आइंस्टाइन ने हमारे पास ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रोवाइड करी 1900 के स्टार्ट में। अच्छा, ये बेसिकली क्या कहती है, इसको समझने के लिए हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि हमारे पास ना जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 2 तरह के। ठीक है। एक हमारे पास कहलाता है जनाब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक हमारे पास कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसके अंदर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं। ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, जिसके अंदर आपके न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन होल्ड करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो तमाम के तमाम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस जिसके अंदर न्यूटोनियन लॉज ऑफ मोशन, या इसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स होल्ड करती है, होल्ड करने का मतलब है साबित हो रही होती है,
या जस्टिफाई हो रही होती है या एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो रही होती है, ऐसे तमाम के तमाम हमारे पास क्या कहला रहे होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। देखो आपको इसके नाम से भी पता चल जाएगा, इनर्शियल कहाँ से आ रहा है हमारे पास, इनर्शिया से आ रहा है। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो इन शॉर्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज वो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज होते हैं जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड कर रहा होता है। एक और डेफिनेशन भी हो सकती है कि इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेज वो होते हैं जो या तो रेस्ट में होते हैं या मूव कर रहे होते हैं विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें कैसी होती हैं, फिक्स होती हैं, दोनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही होती। यानी कि या तो रेस्ट में होगा वो फ्रेम। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, आप जिस नजर से या जिस जाविये से किसी चीज को देख रहे होते हो ना, जिस पॉइंट से किसी चीज को देख रहे होते हो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे सामने एक स्क्रीन रखी हुई है और मुझसे 10 कदम के फासले पे एक और बंदा बैठा है, उसके सामने भी यही स्क्रीन है, मतलब एक कंप्यूटर रखा हुआ है टेबल के ऊपर, मैं उसके सामने हूँ और मुझसे 10 कदम के फासले पे एक बंदा बैठा हुआ है। अब अगर मैं अपने कंप्यूटर की लोकेशन डिफाइन करूंगा तो मैं मेरे लिहाज से करूंगा वो काम, वो जो बंदा 10 कदम के फासले पे बैठा हुआ है वो अपने लिहाज से करेगा ये काम। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का फर्क है, वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से एक काम कर रहा है, मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से एक काम कर रहा हूँ। तो कॉमन तरीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं वो यही वाला होता है जो आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से पढ़ा था। ठीक है, आगे जब इंशाल्लाह आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आप और भी बहुत सारे पढ़ रहे होंगे, पोलर सिस्टम भी पढ़ोगे, सिलेंड्रिकल सिस्टम भी पढ़ोगे, स्फेरिकल सिस्टम भी पढ़ रहे होंगे। बहरहाल फिलहाल ये हमारे पास था एक्स है, वाई है और क्या है, जेड है। हम नॉर्मली इन तीन एक्सेस की मदद से, और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन इसलिए बताया जाता है कि आप जब भी कभी अज्यूम करते हो ना कि आप खुद कहाँ मौजूद हो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, तो आप खुद हमेशा कहाँ मौजूद होते हो, ओरिजिन पे। आप ओरिजिन से किसी भी चीज का लोकेशन या डिफाइन कर रहे होते हो या रेफरेंस या एड्रेस वगैरह बता रहे होते हो। ठीक है, जो हमने बात पोजिशन वैक्टर में करी थी। ठीक है, अच्छा ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा इस तरह का है कि मैं जो है ना वो कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, जो हमारा टू द पॉइंट रहे, लेकिन मेरे लिए चैप्टर ऐसा है इसमें बात निकल ही जाती है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है जिसके अंदर आपके न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता है, या आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो या तो कैसा होता है, रेस्ट में होता है, या ये कैसा होता है, मूव कर रहा होता है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा सर, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा? सर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होगा जिसके अंदर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते। अब आप सोचो, जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़े ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, अनलेस एंड अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। तो अब सुन के अजीब सा लग रहा है ना कि ऐसा भी दुनिया में कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट करता है जिसमें ये चीजें होल्ड नहीं करती? बिल्कुल करता है। तो आपके पास जितना सूडो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आता है, जितना आपके पास ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने शायद मैट्रिक में पढ़ी होगी उसका कॉन्सेप्ट आता है, वो सब आता ही न्यूटन के ये नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के अंदर है जहां पे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते। तो डू नॉट होल्ड ट्रू, फिर इसको कैसे डील करते हैं वो एक बिल्कुल अलग डोमेन है, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहला रहे होते हैं जनाबे वाला क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं करता। अच्छा, ऐसा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेटेड का मतलब है कि जिसमें एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है, भले एक्सेलरेटेड हो भले डीसेलरेटेड हो, यानी कि ऐसा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेट कर रहा होता है, जिसमें एक्सेलरेशन मौजूद होती है ना, चाहे वो स्पीड बढ़ रही हो चाहे वो स्पीड कम हो रही हो। ठीक है, तो जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो आपके पास क्या कहला रहा होता है जनाबे वाला, वो आपके पास कहला रहा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या हो गया जनाब, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है? ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है जिसमें आपके पास एक्सेलरेशन मौजूद हो गया? ठीक है, अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन होल्ड करते हैं, पर्टिकुलरली लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं कर रहे होते, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। अब जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये क्या बताती है भाई, उस पर भी आते हैं। अब आइंस्टाइन ने जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, मैंने बताया था इसके दो पार्ट थे, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी और एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। तो आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये डील करती है इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस से, जो हमारे कोर्स का पार्ट है। ठीक हो गया, और आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो डील करती है
नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस से जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब इसने जो है ना जनाब दो पोस्टुलेट्स दिए। इसने पहली बात ये कही, पहला पोस्टुलेट इसने ये दिया कि आपके पास कोई एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। मैं भी सब बातों का तफसील से मतलब बताता हूँ। देयर इज नो एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इक्विवेलेंट है। मतलब समझना जरा बात, देखो बेसिकली आपके पास क्या होता है, जितने भी मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं, जितने भी मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं, मिसाल के तौर पे एक मैकेनिक्स का एक्सपेरिमेंट ये है कि ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है, ये यहाँ मौजूद है, ठीक है, ये जमीन के ऊपर मौजूद है, लेट से ये ऐसे जमीन के ऊपर मौजूद है, और इसने क्या करा, इसने जो है ना एक बॉल लिया, इसके हाथ में एक कोई बॉल है, और इसने इस बॉल को क्या किया, ऊपर की तरफ उछाला, इसने इस बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ उछाला, बॉल ऊपर गया, ऊपर गया, हमें पता है बॉल कब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक कि इसकी स्पीड फाइनली क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। उसके बाद यही बॉल आपका फाइनल क्या होगा, वहां से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये पढ़ा हुआ है ना हमने सब कुछ फोर्स एंड मोशन के अंदर। तो बॉल ऊपर गया और नीचे आया। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने जो भी इसका टाइम था ना, वो टाइम इस बंदे ने नोट डाउन कर लिया कि बॉल को ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना टाइम लगा। अब यही भाई साहब है ये भाई साहब एक कार्ट के ऊपर मौजूद है। कार्ट क्या होता है, वो जैसे आपने देखा है गधा गाड़ी होती है, उसके पीछे जो गाड़ी लगी हुई होती है ना, उसे कार्ट कहते हैं या छकड़ा कहते हैं उर्दू में, ठीक है, या घोड़ा गाड़ी होती है, उसके पीछे जो कार्ट लगी हुई होती है ना, दैट इज बेसिकली गाड़ी। अब ये बंदा एक कार्ट के ऊपर मौजूद है, और ये जो कार्ट है ना, ये कार्ट मूव कर रही है, दिस कार्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, कोई भी एक यूनिफॉर्म स्पीड है जिससे ये कार्ट मूव कर रही है इन द राइट वर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब ये बंदा क्या करता है, ये बंदा दोबारा से क्या करता है, इस बॉल को ऊपर उछालता है और नीचे लेकर आता है। तो अल्टीमेटली जो बॉल है ना, ये इस तरीके से होती भी आएगी नीचे। क्यों भाई, ऐसे क्यों आएगी, क्योंकि जाहिर है बॉल कहाँ पे है, बॉल बंदे के हाथ में, और बंदा कहाँ जा रहा है, सीधे हाथ पे जा रहा है। तो जब बंदा बॉल को ऊपर की तरफ उछालेगा, हाँ ये याद रखना, अगर बंदे ने यहाँ पे यू वेलोसिटी से ऊपर उछाला था, तो यहाँ भी बंदे ने यू वेलोसिटी से ऊपर उछाला है। तो जब बंदा बॉल को ऊपर उछालेगा, तो अल्टीमेटली होगा क्या, बॉल ऊपर भी जाएगी और आगे भी जाएगी। हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना इसको, हम तो रेस्ट के अंदर है, ठीक है। अच्छा, बॉल ऊपर भी जाएगी और आगे भी जाएगी, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बॉल के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कार्ट की वजह से, वर्टिकल वेलोसिटी इसने दे दी, वही बेसिक पैराबोला वाला केस। तो अल्टीमेटली आप देखोगे बॉल ऊपर भी जाएगा और बॉल नीचे भी आएगा। अब जब वंस अगेन टाइम नोट करोगे ना, तो टाइम आपके पास कैसा आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। ये चीज हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा। कैसे, अगर आपको याद होगा, देखो आपको याद होगा जो वर्टिकल वेलोसिटी, वो दोनों जगह पे इसने कैसी रखी है, सेम रखी है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है, ये फिर मैं तफसील में जा रहा हूँ, थोड़ी सी तफसील बता देते हैं। चलो, जो हमने फोर्स एंड मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी ना टी इक्वल जीओ अपॉन जी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो उसका अगर आपने टाइम निकालना होता है, तो ये अपवर्ड का टाइम ऐसे निकलता है, और डाउनवर्ड का टाइम कैसे निकालते हो, अपवर्ड का टाइम जितना होता है अगर बंदे के हाथ में बॉल आ रही है, डाउनवर्ड का टाइम भी उतना ही होता है, तो दोनों को जमा कर लोगे। अच्छा, यहाँ याद करो, हमने जो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट पढ़ा था, तो अगर आपको याद हो ऑब्लिक प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, वो हमारे पास क्या था, वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। बाप बोलोगे सर ये तो टाइम सेम नहीं आ रहा, आपने तो बोला टाइम सेम आ रहा है। देखो बच्चे, इधर ये वी नॉट साइन थीटा क्या चीज था, दिस वी नॉट साइन थीटा वाज द वर्टिकल कंपोनेंट, और यहाँ पे मैंने वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कहा हुआ है, यू कहा हुआ है। तो वी नॉट साइन थीटा बेसिकली किसके बराबर होगा, यू के ही तो बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, वी नॉट साइन थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आपको याद है ये सब बातें मैंने प्रोजेक्टाइल में पढ़ाई थी आपको, तो यहाँ पे भी अपवर्ड टाइम सेम आ रहा है, फिर उसके हाथ में बॉल आ रही है दोनों केस के अंदर, सर ये बॉल तो आगे जाके गिर रही है, तो बच्चे बंदा भी तो आगे आ जाएगा, बंदा कौन सा पीछे खड़ा रहेगा, बंदा कार्ट के ऊपर है, बंदा कहाँ है, कार्ट के ऊपर है। जब कार्ट आगे जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है बंदा भी कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। जब आप टाइम नोट करोगे ना, टाइम एग्जैक्टली सेम आ रहा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि पहला जो पोस्टुलेट है, इसको हम कहते हैं पोस्टुलेट नंबर वन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पोस्टुलेट नंबर वन हमें ये कहता है कि कोई प्रिफर्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस आर इक्विवेलेंट, तमाम इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस इक्विवेलेंट है,
चाहे वो रेस में हो, चाहे वो मूव कर रहा हो विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्विवेलेंट से ये मुराद नहीं है कि दिखने में एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट से ये मुराद है कि आप मैकेनिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, कोई एक्सपेरिमेंट मैकेनिक्स का परफॉर्म करो, चाहे वो किसी ऐसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में परफॉर्म करो जो कि रेस्ट के अंदर है, या किसी ऐसे में परफॉर्म करो जो कि मूव कर रहा है विद सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आपको एब्सोल्यूटली आइडेंटिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि ऑल द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस आर रिलेटिव, कोई एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट होता तो हम कहते इसका आंसर कुछ और है, इसका आंसर कुछ और है, सारे एक ही जैसे। पहला मसला इसने यहां कर दिया, ठीक है। ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस आर इक्विवेलेंट, या कोई प्रिफर्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, या कोई एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आपस में कैसे हैं, सेम। दूसरा इन्होंने ये कहा, दूसरा पोस्टुलेट इसका ये था, पोस्टुलेट नंबर टू इसको हम कह सकते हैं। पोस्टुलेट नंबर टू ये था कि आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर के अंदर कांस्टेंट है, चाहे आप उसको किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से मूव करो जो कि रेस के अंदर है, चाहे आप उसको किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से मूव करो जो कि मूव कर रहा है विद सम स्पीड, आपको पता चलेगा कि स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ऐसा इसने कहा। क्या कहा इसने जनाब? आइंस्टाइन ने पोस्टुलेट नंबर टू ये कहा कि आपके पास जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी तक हमें नहीं पता ना इसलिए इसको भाड़ में डालो, लेकिन हमें लाइट का तो पता है ना। इसने कहा कि जो लाइट की स्पीड है ना वो क्या है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है। आप चाहे इसे किसी रेस्ट वाले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करो, चाहे आप इसे किसी मूव करते हुए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करो, दोनों केस के अंदर आंसर क्या आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये जो आपने स्पीड बता रहे हो ना, ये आप स्पीड बता रहे हो इसकी एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। और किसी मीडियम के अंदर स्पीड चेंज हो जाती है, ये आपका स्नेल्स लॉ है कि जाहिर है जब डेंस मीडियम में जाएगा तो स्पीड कुछ और हो जाएगी, ठीक है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वगैरह हम इसी तरह से मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास जनाब था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट। मैंने पूरी कोशिश करी है कि दरिया को कूजे में बंद कर दूं, वरना ये अलग से 4-5 घंटे का तफसीली टॉपिक, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हमारे पास दो पोस्टुलेट थे। एक कि कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं होता, सब रिलेटिव है, सब एक जैसे हैं। आप किसी में भी मैकेनिक्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, आंसर विल रिमेन सेम, रिजल्ट विल रिमेन सेम। दूसरा पॉसिबिलिटी ये था कि स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, और वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, भले आप इसको किसी रेस्ट में रखे हुए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मापो, या आप इसको किसी मूव होते हुए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करो, आंसर विल कम आउट टू बी द सेम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इससे हमारे पास क्या हुआ, इससे हमारे पास जो है ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आना शुरू हुए। कॉन्सिक्वेंसेज बोले तो कुछ हमारे पास इसके जरिए रिजल्ट्स निकले, और वो रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग थे, ठीक है। वो रिजल्ट्स इसके थे, अब वंस अगेन पूरी डेरिवेशन है, हमारा काम नहीं है वो डेरिवेशन देखना, क्योंकि हम लोग ई कैट एमडी कैट के लिए इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज हमारे किस किस के अंदर आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हमारे आते हैं मास के अंदर, कॉन्सिक्वेंसेज हमारे पास आते हैं लेंथ के अंदर, और जनाब टाइम के अंदर, और जनाब एनर्जी के अंदर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले तक क्या था, इससे पहले तक ये कॉन्सेप्ट था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है ना वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता, मास सेम रहता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ एक फिक्स क्वांटिटी है, चेंज नहीं होती। किसी भी इवेंट का जो टाइम है, देखो टाइम से क्या मुराद होती है, किसी भी इवेंट का टाइम, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बताया ना, बॉल का ऊपर जाना और नीचे आना ये एक इवेंट है, आपका एक जगह से दूसरी जगह पे आना ये एक इवेंट है। अब हमें पता है कि ये टाइम कैसा होता है, फिक्स होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से जो एनर्जी है, एनर्जी भी क्या होती है जनाब, फिक्स होती है, ठीक है। अब देखते हैं जनाब, अब यहां पे एक चीज ये नोट की गई, या मास के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया, इसको हम कहते हैं मास वेरिएशन। एम इक्वल्स एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v² डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अब इसमें ये समझते जाना कि इसमें सवाल किस किस तरह से पूछता है। अब देखो, मास वेरिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मास वेरिएशन का कॉन्सेप्ट ये, अगर सपोज कर लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट से ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास आपने मेजर किया कैसे,
इसके लिहाज से रेस्ट में रहते हुए, रिलेटिव रेस्ट, मैं सिंपल रेस्ट नहीं कहा, मैंने क्या कहा, रिलेटिव रेस्ट। रिलेटिव रेस्ट क्या होता है, देखो सपोज करो आप एक गाड़ी के अंदर हो, गाड़ी मूव कर रही है, आप भी गाड़ी के अंदर हो, ये ऑब्जेक्ट भी गाड़ी के अंदर है, तो आप और ऑब्जेक्ट आपस में रिलेटिवली रेस्ट के ऊपर, आप और ऑब्जेक्ट आपस में रिलेटिव रेस्ट में हो। बाहर वाले के लिहाज से आप भले मूव कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के लिहाज से आप दोनों कैसे हो, रेस्ट के अंदर हो। इसी तरह से अगर आप और किसी जमीन के ऊपर मौजूद हो, अब भी आप दोनों एक दूसरे के लिहाज से कैसे हो, रिलेटिव रेस्ट हो। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट का मास रिलेटिव रेस्ट पोजीशन पे मेजर किया तो इसको हम कहते हैं रेस्ट मास या एम नॉट, जो कि एक नॉर्मल मास होता है। अगर आपने इसी ऑब्जेक्ट का मास रिलेटिव मोशन में मेजर किया, रिलेटिव मोशन बोले तो रिलेटिव मोशन का मतलब ये कि एक गाड़ी है जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और गाड़ी मूव कर रही है, आप गाड़ी के बाहर खड़े हुए, अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आप रुके हुए हो, या इसको उल्टा कर दो, आप गाड़ी के अंदर हो आप मूव कर रहे हो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये है रिलेटिव मोशन। आप ऑब्जेक्ट के लिहाज से मूव कर रहे हो या ऑब्जेक्ट आपके लिहाज से मूव कर रहा है, दिस इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव रेस्ट क्या होता है, आप दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हो, भले किसी तीसरे के लिहाज से आप दोनों मूव कर रहे हो या तीसरे के लिहाज से आप दोनों रेस्ट में, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं कि एक की रिलेटिविटी में दूसरे का क्या इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप रिलेटिव मोशन में किसी चीज का मास मेजर करते हो तो वो क्या आ रहा है, कैपिटल एम आ रहा है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव मास। तो पहली बार ये पता चला कि मास वेरी करता है और जो रिलेटिव मास होता है वो ज्यादा होता है किसके मुकाबले में, रेस्ट मास के मुकाबले। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रिलेटिव स्पीड से मूव करना शुरू करता है, अब ये रिलेटिव स्पीड क्या है, ये वी है, वी आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ, या इसको आप कह सकते हो ये रिलेटिव स्पीड है, यानी कि या तो ऑब्जेक्ट आपके लिहाज से इस स्पीड से मूव कर रहा है या आप ऑब्जेक्ट के लिहाज से इस स्पीड से मूव कर रहे हो, ठीक हो गया। और ये भी याद रखना ये सारा काम हो ही रिलेटिव स्पीड की वजह से रहा है, ये जो सारा मास के अंदर वेरिएशन आ रही है, लेंथ में चेंजिंग आ रही है, टाइम में वेरिएशन आ रही है, एनर्जी का मसला आ रहा है, ये सब का सब हो किस वजह से रहा है, ये सब का सब हो ही किस वजह से रहा है, मूवमेंट की वजह से हो रहा है, रिलेटिव मोशन की वजह से हो रहा है। इसीलिए इस फिनोमेना को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, ठीक हो गया। तो पहली बार ये रिजल्ट सामने आ रहा या इसका कॉन्सिक्वेंस ये ड्राइव हुआ कि मास वेरी करता है अगर रिलेटिव मोशन आ जाए ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के दरमियान, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेटिव मोशन होगा तो मास क्या करेगा, वेरी करेगा, रिलेटिव मास ज्यादा होगा और रेस्ट मास क्या होगा, कम होगा। अच्छा, ये जो आपको डिवीजन में अंडर रूट 1 - v² / c² नजर आ रहा है, इस सी स्क्वायर को जनाबे वाला हम ये कहते हैं लॉरेंट्स फैक्टर। क्या कहलाता है जनाब, ये सब के सब अब एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं, इसमें से एमसीक्यू कैसे कैसे आ रहे हैं, ये कहलाता है लॉरेंट्स फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर v रिलेटिव स्पीड है और याद रखिएगा v जो होती है ना वो हमेशा c से कम होगी, ठीक है। प्रैक्टिकली वी आपके पास सी से हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मैं एनर्जी तक आऊंगा ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वी हमेशा सी से कम क्यों, ठीक है। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा कि वी सी से कम क्यों होती है। हाँ, आइडियल केस हो सकता है, आइडियली आप ये कह सकते हो, आइडियली आप ये कह सकते हो कि वी इज इक्वल टू सी, वी इज ग्रेटर देन सी तो कभी हो ही नहीं सकती, वो भी अभी पता चल जाएगा आपको, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको नोट करो, अगर मैं लॉरेंट्स फैक्टर की बात करूं, क्योंकि ये भी एक सवाल हमारे पास अक्सर आया होगा, देखो इधर 1 - v² / c² आप देखो, अगर मैं सिर्फ यहां पे v² / c² की बात करूं तो आपको ये बात पता है कि मैंने बताया प्रैक्टिकली स्पीकिंग v का वैल्यू c के मुकाबले में हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और c का वैल्यू v के मुकाबले में हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जब आप डिवाइड करोगे, अब न्यूमिरेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो 1 से छोटा आएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 0 point something, ऐसे ही होगा, आपका जो आंसर होगा वो 0 point something आ रहा होगा। अब अगर आप अपने इस आंसर को इसके अंदर पुट करते हो अंडर रूट, देखो यहाँ लिख के भी दिखाते हैं आपको, अंडर रूट 1 - ये जो आपका आंसर आएगा ये क्या है, 0 point something आ रहा होगा। आप जब 1 - 0 point something करोगे तो आपका अंडर रूट के अंदर भी क्या बचेगा, 0 point something बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब आप अंडर रूट लोगे ना 0 point something का, तो आपके पास अगेन आंसर क्या आएगा, 0 point something आएगा, लेके चेक कर लेना। यानी कि बताने का मकसद ये कि लॉरेंट्स फैक्टर का जो आंसर है वो खुद 1 से कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है। ये पूरी कार्रवाई का मकसद ये था, ये एमसीक्यू पूछा गया है मासी के अंदर, कि जो वैल्यू ऑफ लॉरेंट्स फैक्टर होती है वो लेस देन यूनिटी होती है। मैं फिर रिपीट करता हूँ ये कैसे आई है, देखो लॉरेंट्स फैक्टर होता है अंडर रूट 1 - v² / c²
प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो स्पीड है जिस जिससे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं हो सकती, हमेशा उससे कम होती है। ठीक है, हाँ, स्पीड जितनी ज्यादा होगी इफेक्ट उतना डोमिनेंट होगा। ये भी इसके ऊपर भी अभी बात करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी अभी बात करते हैं, और इसका भी एमसीक्यू बताता हूँ आपको, इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अभी उस पर आते हैं। अब वी छोटा है, सी स्क्वायर बड़ा है, तो अल्टीमेटली ऊपर वाले छोटी नीचे वाली बड़ी है, तो ओवरऑल आंसर 1 से छोटा आ गया, यानी कि 0. समथिंग आ गया। 1 - 0. समथिंग करेंगे, आंसर 0. समथिंग आएगा, इसका रूट लेंगे फिर 0. समथिंग आएगा, यानी कि लॉरेंस फैक्टर का जो आंसर आ रहा है वो 1 से छोटा आ रहा है, यानी कि लॉरेंस फैक्टर इज लेस देन यूनिट। ये बात हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा एक चीज समझो, ताकि आपको ये सारी जिंदगी जो है ना, कभी भी आपके फॉर्मूले आपको ना भूले। देखो, आपको ये चीज पता है, देखो अगर कभी भी हमारे पास में, एक एग्जांपल से हम बात को समझते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं 5 को 0.2 से डिवाइड करता हूँ, ये वैसे एक एग्जांपल है समझने के लिए, तो ये बन जाएगा 5 0.2 को 2 को 10 लिख सकता हूँ, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 10 का क्या होता है 50, अपॉन में क्या आ गया 2, यानी कि दिस विल बी 25, 25 हो गया ये हमारे पास। अब देखो, आपके पास जो नंबर था ना वो था 5, 5 कन्वर्ट किसमें हो गया 25 में, क्योंकि आपने जिस चीज से इसको डिवाइड किया था वो 1 से कैसी थी, छोटी थी, यानी कि इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर आप 1 से छोटे नंबर से किसी चीज को डिवाइड करते हो तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी ना, दैट विल इंक्रीज, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। देखो, आपने 5 को 0.2 से डिवाइड किया तो वो 25 में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। देखो देखो, यहाँ पे ये चीज लिखा था, ये जो आपका रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को हम मास इंक्रीमेंट का नाम भी देते हैं, कि मास क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, जो मैंने नीचे देखो रेड से लिखा हुआ है ना, यही बात लिखी भी, मास इंक्रीमेंट, मास क्या हो गया, बढ़ गया। जब आपके पास ये मूव करेगा तो अल्टीमेटली जो रिलेटिव मास होता है दैट इज ग्रेटर देन द रेस्ट मास। रिलेटिव मास आपके पास कैसा होता है, रेस्ट मास के मुकाबले में ज्यादा होता है। ठीक हो गया, रिलेटिव मास इज ग्रेटर देन रेस्ट मास, क्यों, ये देखो आपका जो रेस्ट मास है, ये एम नॉट आपके पास क्या है, एम नॉट इज बेसिकली द रेस्ट मास, आपका जो रेस्ट मास है ये लॉरेंस फैक्टर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब 1 से छोटी वैल्यू से आप डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, तो मास इंक्रीज कर जाता है। ठीक हो गया, अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, अच्छा यहाँ पे एक चीज ये भी देख लेना, अगर आप 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देते तो आप करके देख भी सकते हो, आंसर आपका आएगा 1.0, यानी कि जब आपने 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया, जब आपने 1 से छोटे नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ओवरऑल आपकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू बेसिकली क्या हो गई आपके पास, कम हो जाएगी। ठीक हो गया भाई, 5 था वो 1 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो इसको मैं यूं कह सकता हूं, इसी चीज का कंक्लूजन क्या निकल सकता है, कि अगर लॉरेंस फैक्टर किसी चीज के डिवीजन में आएगा तो ओवरऑल इसका मतलब उसमें क्या इंक्रीज होगा, मतलब क्या ऑब्जर्व होगा, इंक्रीमेंट ऑब्जर्व होगा। इसी तरह से अगर लॉरेंस फैक्टर किसी चीज की मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो अल्टीमेटली आपके पास इसमें क्या चीज होगी, ऑब्जर्व होगी, डिक्रीमेंट ऑब्जर्व हो रहा होगा। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पहला जो आपके पास कॉन्सिक्वेंस ऑब्जर्व हुआ दैट वाज मास वेरिएशन। तो हमने ये कंक्लूड किया कि अगर ऑब्जेक्ट रिलेटिवली मूव कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, जो उसका मास मेजर कर रहा है, तो रिलेटिव मास विल बी ग्रेटर देन द रेस्ट मास। और हमने देख लिया m इक्वल्स m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और इससे रिलेटेड हमने तमाम एमसीक्यूज भी देख लिए। फिर हमने एक बात और पढ़ी अभी अभी कि जनाब जो स्पीड जितनी ज्यादा होगी ना आपकी, अल्टीमेटली आपका इफेक्ट उतना डोमिनेंट होगा, इफेक्ट उतना ज्यादा आएगा। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट 1000 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 1000 मीटर पर सेकंड से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मास ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू किसका, जो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक हो गया, अच्छा इसके अंदर स्पीड बढ़ेगी तो इफेक्ट बढ़ेगा। अच्छा, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मास इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही है, मास इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें ये पता है अगर स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब बेसिकली हमारे पास मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ते 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 आइडियली कितना बढ़ सकती है, अगर मैं आइडियल बात करूं तो आइडियली स्पीड मैक्सिमम कितनी जा सकती है, तो स्पीड मैक्सिमम हो सकती है इनफाइनाइट या
इनफाइनाइट हम यहाँ पे कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को इनफाइनाइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां तक आप अचीव नहीं कर सकते। तो आइडियली क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए। इसका मतलब मास बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये भी एक आपके पास पेपर का एमसीक्यू है जो आपसे ये पूछता है। आइडियली स्पीकिंग अगर आपका ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका रिलेटिव मास कहां चला जाएगा, उसका रिलेटिव मास इन्फिनिटी को, यानी कि एक अनडिफाइनेबल अप्रोच पे चला जाएगा। इन्फिनिटी इज जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ेगा कि आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, मैथ्स वाले अगर हो तो समझ सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, लिमिट्स के अंदर हमारे पास ये टर्म्स आती है नॉट डिफाइन वाली, वैसी कहानी होगी। अब इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, यहाँ देख लो, अगर m इक्वल्स m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, तो अगर मैं v की जगह पे c लिखता हूँ, c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर क्या होगा, वन हो जाएगा, वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, यानी कि दिस विल बी m नॉट डिवाइडेड बाय जीरो। किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो याद रखना स्पीड बढ़ने से इफेक्ट बढ़ता है, और अगर स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी जितनी हो सकती है तो जो इफेक्ट है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा जितना हो सकता है, और बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो सकता होगा, और अगर कोई चीज कम हो रही है तो कम होते होते जीरो हो सकती है, जीरो से कम तो नहीं हो सकती, और बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ये सारे पॉइंट्स एज इट इज अपनी कॉपी में लिखने हैं, फिर आप इंशाल्लाह नोट करोगे कि कैसे जो आपके क्वेश्चन है ना वो डायरेक्टली इन्हीं बातों में से आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारे पास जो अगला कॉन्सिक्वेंस है या जो अगला रिजल्ट है, दैट इज बेसिकली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगला क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वही कहानी है सेम की सेम, कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, गौर से सुनिएगा, एक कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की कुछ लेंथ है, मान लीजिए इसकी जो लेंथ है दैट इज एल नॉट। अब ये एल नॉट कौन सी लेंथ होती है, एल नॉट कहलाती है जनाब रेस्ट लेंथ। अगर मैं इसको कह रहा हूं ना ये रेस्ट लेंथ है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये रिलेटिव रेस्ट लेंथ है। रिलेटिव रेस्ट लेंथ का क्या मतलब होता है, रिलेटिव रेस्ट लेंथ का मतलब होता है कि आप दोनों या तो रेस्ट में हो या दोनों मूव कर रहे हो एक ही स्पीड से। मैं बार बार रिलेटिव के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अक्सर एक वो कॉन्सेप्ट है जो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, रिलेटिव रेस्ट का मतलब ये है कि यू बोथ आर ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर बोथ आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बाहर वाले के लिहाज से भले दोनों रेस्ट में हो, भले दोनों मूव कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और अगर ये मूव करना शुरू हो जाएगा ऑब्जेक्ट विद सम स्पीड, तो अल्टीमेटली अब जो इसकी लेंथ होगी वो कहला रही होगी हमारे पास रिलेटिव लेंथ। ठीक है, और एल विल बी लेस देन एल नॉट, यानी कि रिलेटिव लेंथ आपकी कम होगी रेस्ट लेंथ के मुकाबले में। लेकिन एक चीज का ख्याल करना, ये जो डिक्रीमेंट ऑब्जर्व होगा ना, ये डिक्रीमेंट ऑब्जर्व होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर ऑब्जेक्ट ऐसे सीधे हाथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है, सीधे हाथ पे जा रहा है। ठीक है, भाई ये वाली भी तो एक लेंथ है ना ऑब्जेक्ट की, अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा, ये भी तो एक लेंथ है ऑब्जेक्ट की या नहीं है, ये भी एक लेंथ है। इसको मान लेते हैं ये लेंथ आपके पास थी बी नॉट मिसाल के तौर पे, और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ना, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का फिनोमिना सिर्फ उस डायरेक्शन के अलोंग होगा। इसको हम लिखते भी हैं ऐसे कि लेंथ कॉन्ट्रेक्शन ऑब्जर्व होगी सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग। Length contraction will be observed along the direction of motion. सिर्फ और सिर्फ direction of motion के along length contraction observe हो रही होगी, किसी और उसके along observe नहीं होगी। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से represent कर देते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं, इसका formula क्या होता है, L equal L naught multiply by under root 1 minus V square divided by C square। अगर आपने ऊपर वाली तमाम कहानियां अच्छी तरीके से समझी है तो ये फॉर्मूला सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लॉरेंट्स फैक्टर L naught से मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉरेंट्स फैक्टर का वैल्यू 1 से छोटा होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही रिजल्ट निकल के मिलना शुरू हो जाएगा कि L is less than L naught, यानी कि जो रिलेटिव लेंथ है जो ऑब्जर्वर ने मूव करते हुए मेजर करी है, या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था ऑब्जर्वर रेस्ट में था वो मेजर की है, तो वो कम आ रही है किसके मुकाबले में, रेस्ट लेंथ के मुकाबले में। अब हमें एक बात पता है कि स्पीड बढ़ेगी तो इफेक्ट डोमिनेंट होगा, स्पीड बढ़ेगी तो इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आना शुरू होगा। अच्छा, अगर स्पीड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है,
सी के बराबर हो सकती है ना, सी से ज्यादा तो हो नहीं सकती। अल्टीमेटली जो रिलेटिव लेंथ है वो कम होते होते कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपको एक मजेदार बात बता देता हूँ, वैसे तो मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा लेकिन वैसे ही बता देता हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक था वो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग एक चीज पढ़ते हैं ना अक्सर, शायद आप में से किसी ने इसको पढ़ा हो, शायद ठीक है। तो जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर एक चीज पढ़ते हैं ना कि आपके पास जो भी कोई डायनामिक चार्जेस होते हैं, जो भी कोई मूविंग चार्जेस होते हैं, डायनामिक चार्जेस वो होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, उनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। शायद पढ़ा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात होगी भी इसके ऊपर। तो हम तो इसको पढ़ते हैं एज ए कह लो प्रॉपर्टी के तौर पे पढ़ते हैं कि डायनामिक चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसके बाद हम वो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं ना, एफ इक्वल्स क्यू वी वी साइन थीटा। तो कभी सोचा है कि डायनामिक चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रही होती है? तो उसका आंसर लेंथ कॉन्ट्रेक्शन में छुपा हुआ है, ठीक है। जो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का फिनोमिना होता है ना, इसकी वजह से हमारे पास डायनामिक चार्ज के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है। आप में से कोई अगर बड़े लेवल के ऊपर फिजिक्स पढ़ता है तो उसको पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ होती नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही का एक एडिशनल वर्जन है, ठीक है। इसीलिए जब हम नेचर के अंदर चार फोर्सेस को क्लासिफाई करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को अलग से क्लासिफाई नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक ही नाम देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलग से कुछ है ही नहीं, ठीक है। बरा ये वैसे ही एक बात थी, चलो बाहर में डालो उसको। लेंथ कॉन्ट्रेक्शन हमारा दूसरा फिनोमिना था, और हमें पता चल गया कि जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग बॉडी मूव कर रही होगी, जो कॉन्ट्रेक्शन आएगी वो उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग आएगी, ठीक है। बाकी अगर बाकी किसी डायरेक्शन में उसकी लेंथ बी नॉट थी या सी नॉट थी, तो इट विल रिमेन बी नॉट एंड सी नॉट। हाँ, अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर देगा तो बी नॉट लेंथ कम होना शुरू हो जाएगी, बेसिक बात है, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी चीज हमारे पास जो थी सबसे इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर ट्विन पैराडॉक्स एक्सप्लेन होता है हमारा, टाइम डायलेशन, ठीक है। और जो आधी से ज्यादा आवाम को हमारी इंटरस्टेलर समझ में नहीं आती ना, वो टाइम डायलेशन का फिनोमेना है। टाइम डायलेशन अगर समझ में आ जाएगा तो आपको वो सब समझ में आ जाएगा। टाइम डायलेशन, टाइम का फैल जाना। देखो टाइम पता है बेसिकली क्या होता है, टाइम अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, टाइम ये होता है, अगर ये क्लॉक है ना, इसमें ये 12 की सुई है और ये 12 है और ये 1 है, तो टाइम बेसिकली क्या होता है, अगर ये 12 पे आपका अभी सेकंड वाला हैंड है ना, ये 1 पे आ रहा है, तो ये 12 से 1 तक में कितनी जल्दी आता है, ये बेसिकली ये है टाइम। टाइम क्या है कि आपके पास जो एक सुई है ना, वो 12 पे थी और वो 1 पे आ रही है, तो इसकी जो स्पीड है ना वो डिफाइन करती है कि टाइम कितनी तेजी से गुजर रहा है या टाइम कितना आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, 12 से 1 तक में यानी कि दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स के दरमियान में जो आपका क्लॉक का हैंड है, सुई है, वो कितनी तेजी से मूव कर रही है, ये टाइम की स्पीड डिफाइन करता है। हम कहते हैं टाइम डायलेशन, टाइम का फैल जाना। वो देखो अब इसमें क्या होता है आपके पास, वंस अगेन अगर आपने एक बॉल को ऊपर उछाला और बॉल नीचे आई, ये आपके पास एक इवेंट हुआ, आपने इस इवेंट का टाइम नोट किया, आप उसी फ्रेम में मौजूद थे जिसके अंदर ये इवेंट हुआ, तो इसका मतलब रिलेटिव रेस्ट कंडीशन। रिलेटिव रेस्ट का मतलब क्या होता है, रिलेटिव रेस्ट का मतलब ये होता है, रिलेटिव रेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिहाज से कैसे हो, रेस्ट के अंदर हो, ठीक है। दोनों या तो मूव कर रहे हो बाहर वाले के लिहाज से, या दोनों कैसे हो, रेस्ट के अंदर हो, तो हम कहेंगे इसका टाइम है टी नॉट। और अगर आप मूव कर रहे थे इवेंट के लिहाज से, या इवेंट किसी ऐसे फ्रेम में हो रहा है जो मूव कर रहा है आपके लिहाज से, तो उसका हम कहेंगे रिलेटिव टाइम। तो हमारे पास जो रिलेटिव टाइम होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या, एज कंपेयर टू रेस्ट टाइम। तो हम कहते हैं जो रिलेटिव टाइम होता है दैट इज ग्रेटर देन द रेस्ट टाइम। हमारे पास जो ग्लोबल पोजिशनिंग सेटेलाइट्स होती हैं, यानी कि जो GPS सिस्टम होता है ना, ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, जो GPS होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो रिलेटिविटी का यानी कि रिलेटिव स्पीड से मूव करने को अकाउंट में लेता है। अगर वो इन चीजों को अकाउंट में नहीं लेगा तो वो हमारी पोजीशन मिस कर जाएगा ड्यू टू टाइम डायलेशन, ठीक हो गया। इसी तरह से जो लोग बाहर आउटर स्पेस में जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी टाइम डायलेशन का फिनोमिना हो रहा होता है, ठीक है। तो और किसी को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो ना, तो इसके अंदर ना ट्विन पैराडॉक्स पढ़ लेना, मतलब आई वुड लव टू एक्सप्लेन दैट, लेकिन वो एक बड़ा जबरदस्त फिनोमेना है, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाता है। ट्विन पैराडॉक्स जो है ना, बेसिकली ये बताने की कोशिश की जाती है, अगर दो आइडेंटिकल ट्विन्स पैदा हुए हैं, एक को आपने अर्थ पे छोड़ दिया, एक को बाहर ले गए आप, तो कौन किसके लिहाज से ज्यादा बड़ा हो जाएगा जब वो वापस आके मिलेंगे, तो ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो हमारा अब हमें फिलहाल जो है ना अपना यूनिवर्सिटी का टेस्ट मुकम्मल करना है, ये हमारे पास रेस्ट टाइम है,
यानी कि दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस में या दोनों मूव कर रहे हैं विद द सेम स्पीड, ये हमारे पास रिलेटिव टाइम है और हमें ये चीज नजर आ रही है एज पर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि आपका जो रिलेटिव टाइम है वो कैसा है, ज्यादा है, वही बात हमारे पास है। अच्छा, वही बात से क्या हो रहा है, स्पीड जितनी ज्यादा होगी, स्पीड जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना डायलेट कर जाएगा, वही बात हुई ना यहाँ पे। टाइम डायलेशन का मतलब क्या है, टाइम फैल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि स्पीड जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना डायलेट कर जाएगा। डायलेट करने का मतलब होता है फैल जाना, टाइम उतना फैल जाएगा। फैल जाने का मतलब समझना जरा और आसानी समझ में आ जाएगा। 12 से यानी कि 12 ये इसकी बात करूं जो मैंने क्लॉक यहां बना के दिखाई थी ना, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये 12 से 1 तक जो आपका हैंड है या जो क्लॉक की सुई है इसको आने में जो टाइम लग रहा है वो उतना ज्यादा लग रहा है, उतना ज्यादा बढ़ जाए, इसको कहते हैं टाइम का फैल जाना। समझ रहे हो, ये होता है टाइम का फैल जाना, ठीक है। यानी कि जब आप स्पीड बढ़ती है तो टाइम डायलेट कर देते हैं, यानी कि 12 से 1 तक जो कि जो मतलब 12 से 1 तक जो आपकी सुई मूव कर रही है ना, बेसिकली यही तो टाइम डिफाइन कर रही है। टाइम क्या होती है, सुई के मूव करने की स्पीड इज टाइम, बिल्कुल सिंपल। सुई के मूव करने की स्पीड क्या होती है, वही टाइम होती है, सिंपल, ठीक है। अब इंटरस्टेलर के अंदर जाके अगर इंटरस्टेलर देखोगे ना, दोबारा देखना, और उसमें अपना पीछे क्लॉक की टिक 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 आ रही होती है, उसको सुनना जरा, उसके अंदर बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ने से टाइम डायलेट हो रहा है, यानी कि 12 से 1 तक जो सुई मूव कर रही है उसकी स्पीड उतनी स्लो डाउन हो जाएगी। जो 12 से 1 तक सुई मूव कर रही है उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, यानी कि जितना उसे टाइम लग रहा है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, उतना आहिस्ता मूव कर रहा हूं। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना एक सेकंड उतना आराम आराम से गुजरेगा। तो हम तो हमने तो वैसे हम लोग तो जब वो भी पढ़ते हैं वाकया मेराज पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें तो ये कॉन्सेप्ट मिलता है, हमारे इस्लाम के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो बुराक की सवारी पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके गए थे तो वो जो टाइम जिसे कहते हैं ना रुक जाता है, तो वो बेसिकली यही था, टाइम फैल जाता है। स्पीड जितनी ज्यादा होगी 12 से 1 तक, यानी कि या 12 से 1 मैंने सिर्फ समझाने के लिए लीजिए, दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स के दरमियान में जो सुई मूव कर रही है वो उतनी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, तो टाइम मूव ही नहीं करेगा। हाँ, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दे। इससे क्या होगा, अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर देगा तो अल्टीमेटली रिलेटिव टाइम आपका बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको ऐसे समझ लो कि आपकी जो सुई है ना वो 12 से 1 पर आएगी ही नहीं, क्योंकि दरमियान में इतना डिस्टेंस, 12 से 1 तक के दरमियान का डिस्टेंस इतना फैल गया कि सुई वहां तक आ ही नहीं सकती। समझ रहे हो, ये मतलब है इसका, जिसको हम कहते हैं ना टाइम इनफाइनाइट हो गया, तो ये मतलब होता है। अक्सर हम कहते हैं ना टाइम मशीन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल नहीं है। वो रीजन ये होता है कि आप कहते हो कि आप स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा बड़ी स्पीड से मूव कर रहे हैं। जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा बड़ी स्पीड से मूव करोगे तो आपका टाइम नेगेटिव में चलना शुरू हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट टाइम मशीन का, ठीक है। जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ऊपर जाना शुरू करोगे तो टाइम नेगेटिव में जाएगा, इसका मतलब आप पास में जा रहे हो, फिर वो ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। बहरहाल वो फिर अलग कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो ये बहरहाल हमारे पास ये सारी की सारी चीजें थी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर हमारे पास जो लास्ट एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, दैट इज के अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जो आपके पास मास और एनर्जी है ना वो क्या है, इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन इक्वल्स एम सी स्क्वायर, ई से मुराद एनर्जी है, एम से मुराद मास है, सी से मुराद स्पीड, ठीक है। अब अभी अभी हमने पढ़ा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, यहां से बस ये याद रखना कि एनर्जी और मास इंटरकन्वर्टेबल है, एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टेबल, दोनों एक ही चीज है, कन्वर्ट हो सकते हैं ना, यानी कि, ठीक है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि मास हमारे पास दो तरह का होता है, एक हमारे पास होता है जनाब रिलेटिव मास और एक हमारे पास होता है जनाब रेस्ट मास। अच्छा, रेस्ट मास उस ऑब्जेक्ट का होता है जो कि रेस्ट में होता है, मूव नहीं कर रहा होता, और इसको हम एम नॉट से शो करते हैं। रिलेटिव मास उस ऑब्जेक्ट का होता है जो कि मूव कर रहा होता है, तो उसको हम एम से शो कर रहे होते हैं, बेसिक बात है। अब रेस्ट मास के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है, क्योंकि मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, तो रेस्ट मास के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसे कहते हैं रेस्ट एनर्जी, रिलेटिव मास के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है इसको कहते हैं रिलेटिव एनर्जी। अब हमें ये चीज पता है कि रिलेटिव मास इज ग्रेटर देन रेस्ट मास, बिल्कुल ऐसे ही जो रिलेटिव एनर्जी होती है वो भी रेस्ट एनर्जी से कैसे हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। भाई जाहिर है, जब रिलेटिव मास ज्यादा है तो रिलेटिव एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बेसिक बात है, हमें ये सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ रही हैं, ठीक हो गया। यहां तक सारी की सारी कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मैं अगर इसको लिखूंगा,
मैं लिखूंगा E equals MC square, या मैं इसको लिखूंगा E naught will be equal to M naught C square, ठीक है? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर होता है E naught plus KE के, यानी कि जो relative energy है, that is basically the sum of rest energy and kinetic energy. ये क्या है? This is rest energy. ये क्या है? This is kinetic energy due to the motion. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास एक तो रेस्ट एनर्जी होगी और एक क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी. काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन आ रही है. अच्छा, अब अपने पास एक चीज और नोट करना है जो अभी हमें आगे पेयर प्रोडक्शन में हेल्प आउट करेगी. रेस्ट एनर्जी किसी भी बॉडी को एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए होती है. क्यों भाई? अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब उसके पास मास होगा ना. ऐसे ही पढ़ते हो ना आप लोग, ठीक है? मास होगा उसके पास. भाई मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम वेट. तो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इसका मतलब उसके पास मास है. तो जो उसके पास रेस्ट मास है उसके पास रेस्ट एनर्जी होगी. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस के लिए रेस्ट मास चाहिए होता है. इसी तरह अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास रिलेटिव एनर्जी होती है, और रिलेटिव एनर्जी इज द सम ऑफ रेस्ट एनर्जी जो उसको एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए थी प्लस द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी बेसिकली उसके मूवमेंट वाला पार्ट में चला जाता है, ठीक है? यानी कि उसको हम यूं भी कह सकते हैं, E इक्वल्स एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के ई. अगर मैं इसको वहां ले जाऊंगा तो के ई विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. अक्सर आपसे पूछा जाएगा पेपर के, ठीक हो गया? ठीक है भाई, यहां तक मैं उम्मीद करता हूँ सारी की सारी कहानी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी. इसके अंदर भी जो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने, यहाँ तक के टॉपिक है, ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक के जो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वो वही है आपके जो सिंटेक्स बोर्ड के एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स है वो करने हैं, और जो सिम बोर्ड के पास पेपर्स के अंदर आए हुए वो करने हैं. मैं इसका सोल्यूशन ऑब्वियसली आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो के बाद में, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है? तो ये आपने लाजमी करना है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बैरल पूछे जाते हैं, यही लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, मास इंक्रीमेंट, टाइम डायलेशन, एनर्जी वगैरह के काम. ठीक है भाई, यहाँ तक सारी की सारी कहानी क्लियर हो गई अच्छे तरीके से सबको. देखो जितने भी लोग ई कैट सिंध को टारगेट कर रहे हैं ना, ई कैट सिंध का मतलब होता है वो तमाम यूनिवर्सिटीज जो सिंध के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो मेहरान है, कायदे अवाम है, चाहे वो आपके पास NED है, चाहे वो दाऊद है, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी की जो दो फील्ड्स है इंजीनियरिंग की वो है, सर सैयद है, ठीक है? इसके लिए जितनी डिटेल इस लेक्चर के अंदर है दैट इज मोर देन इनफ. उसके साथ जो आपके ये वाले प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ ना, सेंट टेक्स्ट बोर्ड के एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स, ये दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है? और पास पेपर्स क्लास 11 12 के सेंट बोर्ड के नॉर्मल पास पेपर ये बहुत है, ठीक है? एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना. जो अगर कोई लेक्चर देख रहा है और वो ई कैट कह लो के तैयारी कर रहा है सिंध के अलावा, या वो तैयारी कर रहा है एनडी कैट की, तो ऑब्वियस ही बात है उसे फिर मजीद डिटेल चाहिए, और वो फिर मजीद प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा बाकी के बोर्ड्स की, ठीक है? तो उसको आप देख लेना, ये आपके पास कार्रवाई होती है टोटल हिसाब के. अच्छा, अब हमारे पास जो अगली कहानी है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले जो है ना, हम जरा फोटोन को समझ लें. देखो फोटोन हमारे पास क्या है? फोटोन हमारे पास जो है ना एनर्जी का एक अदद पैकेट होता है, ठीक है? फोटोन इज बेसिकली द पैकेट ऑफ एनर्जी, और इसको हम क्वांटा भी कहते हैं, क्वांटा भी कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. और ये जो एनर्जी का पैकेट है ना, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस तरह से, E इक्वल्स एच न्यू. न्यू इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. एच हमारे पास क्या होता है? एच हमारे पास होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, और इसका जो वैल्यू है दैट इज 6.63 इंटू 10^-3/4 जूल सेकेंड. और याद रखिएगा जूल सेकेंड ही यूनिट एंगुलर मोमेंटम की भी होती है. तो ये सवाल भी माजी में पूछा गया है कि प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैच करती है. अच्छा, और इसी तरह से इस फॉर्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं, E equals hc divided by lambda. ये कहां से आया भाई? ये फॉर्मूला यहां से आया कि आपके पास ये होता है ना, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है वेव्स के अंदर, v equals f lambda, f will be equal to v divided by lambda. तो इसी को अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दूंगा तो c या न्यू विल बी इक्वल टू न्यू
न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी की जगह आ गया, न्यू विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये हमारे पास एक कहानी हो जाएगी उठ के सीधी सीधी, न्यू विल बी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो न्यू की जगह पे सी अपॉन लैम्डा आ गया। सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है। ठीक हो गया, वेवलेंथ किसकी जनाब, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, अब फोटोन एनर्जी का पैकेट होता है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब फोटोन ट्रेवल किस तरह से करता है, तो फोटोन याद रखना आपकी वही ट्रांसवर्स वेव की तरह ट्रेवल करता है। ट्रांसवर्स वेव को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं, ये सब बातें बताता हुआ जा रहा हूँ। ट्रांसवर्स वेव को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये हमारे पास जो एक साइनोसॉइडल रिप्रेजेंटेशन है, ये ट्रांसवर्स वेव की रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर आप कहते हो यहां से लेके यहां तक ये आपके पास होता है जनाब एक कंप्लीट साइकिल। दिस इज वन कंप्लीट साइकिल, ये एक साइकिल होता है। इस एक साइकिल के अंदर ये आपके पास क्रस्ट आता है, ये आपके पास ट्रफ आता है, फिर इसमें आपके पास एम्पलीट्यूड भी आता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जनाब ये कितना मैक्सिमम पीक कवर कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास इसका एम्पलीट्यूड होता है कि ये कितना पीक पे जा रहा है। ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड। इसी तरह से बस ये बेसिक चीजें जानना यही जरूरी थी। ठीक है, एनर्जी पैकेट। अच्छा, अब हमें ये पता है फोटोन जो है ना, ये फोटोन हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है, या फोटोन हमारे पास बिल्डिंग पार्टिकल्स हैं, या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ये जितनी भी आपके पास लाइट है, या आपके पास अल्ट्रावायलेट रेज हैं, या आपके पास एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, कॉस्मिक वेव्स हैं, ये सारी की सारी आपके पास क्या है, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ना पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। पूरा एक अदद क्या होता है जनाब, पूरा एक होता है स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये कहानी समझ लेना कि हम लोग जो एक जर्नली जानते हैं ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहचानते हैं किसको है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक लाइट को पहचानते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक लाइट को पहचानते हैं और किसी को नहीं पहचानते। अदरवाइज लाइट के अलावा भी बहुत सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैंगी। ठीक है, जैसे हमारे पास मैंने अभी मिसाल बताई ना, हमारे पास ये है जिसे कहना चाहिए, अगर आप इसको देखोगे ना, इनफैक्ट रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, जो लाइट है ना वो तो सिर्फ एक विजिबल के अंदर आती है। इसको याद रखने का हमारे पास जो है ना एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट भी होता है, जिसको हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। ठीक है, अब इसके अंदर ये एरो मैंने वैसे ही बनाया, भी समझाता हूँ एरो क्यों बनाया, टेंशन नहीं लो। ठीक है, अब देखो राहुल के अंदर आर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, ये विजिबल वो है जिसको आप लाइट कहते हो, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज। जब आप इसमें ये आगे की तरफ जा रहे हो ना, तो बेसिकली आपकी ये जो एनर्जी है ना ये बढ़ती जा रही है, यानी कि गैमा रेज आर मोर एनर्जेटिक एज कम्पेयर टू एक्स रेज, दे आर मोर एनर्जेटिक एज कम्पेयर टू अल्ट्रावायलेट, ये ज्यादा है विजिबल से इस तरह से। और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। ये सब मुझे पता चल रहा है यहां से, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखो, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन देखो, आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और जो विजिबल आपके पास होता है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम आपके पास होता है, ये सब चीजें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए पता होना जरूरी है। जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो बेसिकली आपका होता है विबग्योर वाला। वो कौन सा होता है, विबग्योर। विबग्योर में वी शो कर रहा होता है आपका किसके, वायोलेट को। वी शो कर रहा है किसको, वायोलेट को, आई इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, ये आपके पास इस तरह से चल रहा है, देन आपके पास ऑरेंज है, और देन आपके पास क्या होता है, रेड होता है। इसकी भी हमारे पास कहानी होती है पूरी की पूरी। हमें पता है कि ये हमारे पास होता है जनाब 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, 400 नैनोमीटर से कहां तक जाता है जनाब, 700 नैनोमीटर तक जा रहा होता है ये हमारा विबग्योर वाला पैटर्न, या इसको आप यूं भी पढ़ सकते हो, ये आपके पास जा रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10^-10 मीटर। ठीक है, वही बात बन गई, यह आपके पास ये क्या बन जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम से कहां तक जा रहा है, 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया, वही बात बन जाती है, मतलब ये दोनों एक ही चीज है बस। नैनो का मतलब 10^-9, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10^-10 है। इसमें आपका ये जो वायलेट है, ये वायलेट आपका जो है जनाबे वाला, ये 400 नैनोमीटर वाला पार्ट है आपका, ये आपका, और ये जो आपका रेड है
ये आपका 700 नैनोमीटर वाला पार्ट है, यानी कि जब आप मूव कर रहे होते हैं ना फ्रॉम वायोलेट टू रेड, ये सब याद रखना जो बातें बता रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये सब हेल्प करेगा। जब आप मूव कर रहे होते हो इसका मतलब आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही होती है, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है, तो वो आपके पास है वायलेट वाली, सही है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे क्या है इनमें, कम है। पॉइंट समझ में आ गया, ये चीज सारी की सारी ये हमारे पास होती है। ठीक हो गया यहाँ तक, मैं उम्मीद करूंगा सारी चीजें क्लियर अच्छे तरीके से हो गई होंगी। अब जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारे पास बेसिकली आपस में परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही होती है ना, इसको भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एक मिनट दो, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में वाइब्रेट किस तरह से कर रही होती है परपेंडिकुलरली, ताकि जहन में आपका ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर बन जाए। ये देखो, ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम कहते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हुई जा रही होती है वो ये वाली हमारे पास होती है। ठीक है, अब इसमें आप देखो, इन्होंने एक रेड कलर से आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई हुई है, एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई हुई है। ठीक है, इसमें आपके पास जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव की, यानी कि ये वेव खुद जहां पे जा रही है ना, ये सारे के सारे आपस में उनके परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि आप देखो, जो आपकी ये ब्लू वाली वेव है वो ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे हो रही है, जबकि इसका जो रेड वाली वेव है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे हो रही है और ऐसे हो रही है, और ये जो वेव खुद मूव कर रही है, ये वेव खुद ऐसे मूव कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। बाकी इसने वेवलेंथ वही डिफाइन करी हुई जो मैंने आपको सारी की सारी कहानी बताई। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बिल्डिंग ब्लॉक कौन से होते हैं, अब शायद थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाएगा। वो हमारे पास होते हैं फोटॉन्स, जिनको हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी कह रहे होते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका फोटॉन है, फोटोन एग्जिस्ट करता है अपने मोशन की वजह से, और फोटोन की जो स्पीड है वही स्पीड होती है जो लाइट की स्पीड होती है, क्योंकि लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड एक बराबर होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। सबकी एयर में यही स्पीड होती है, चाहे वो एक्सरे है, चाहे गैमा रे है, कोई भी है, सबकी एक बराबर स्पीड है। फोटोन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके ऊपर ना तो कोई चार्ज होता है और ना इसका कोई रेस्ट मास होता है, इसका रेस्ट मास भी नहीं होता, ये एग्जिस्ट ही अपने मोशन की वजह से करता है। चार्जलेस पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल है। हाँ, रिलेटिव मास इसका जरूर होता है, जब हम कह रहे हैं ना एनर्जी पैकेट है, तो वो एनर्जी कहां से आ रही है, ड्यू टू मोशन। तो अब ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा जो मैंने अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इतनी लंबी की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एग्जिस्ट कर रहा होता है अपना किस लिए, ड्यू टू मोशन। जैसे ही आप इसको रेस्ट में लेकर आओगे तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फोटोन एग्जिस्ट ही अपने मोशन की वजह से करता है, क्योंकि इसका जो मास है वो रिलेटिव मास, ठीक है, वो वाला नहीं है इसका मास। ठीक हो गया, तो एक चीज और का ख्याल करना कि अगर चूंकि इसका चार्ज जीरो है, तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पर भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्ट्रेट पास कर जाएगा विदाउट सफरिंग एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी कि विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, ये सीधा सीधा पास कर जाएगा विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। ये सारे एमसीक्यू फोटोन के अंदर से माजी के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहां तक सारा का सारा कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अच्छा भाई, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास होता क्या है, ये क्या सीन होता है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना, सबसे पहले तो ये समझ लेना कि ये एक्सरे का उलट है, ये भी अपने पास नोट कर लेना, ये एक एमसीक्यू है। एक्सरे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है और फोटोन निकलता है, इसमें उल्टा होता है। आपके पास क्या सीन होता है, सपोज करो मेरे पास एक कोई भी मेटल है, देखो जो भी कोई मेटल होता है ना, हर मेटल के पास कुछ ना कुछ लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको उन्होंने अपने पास होल्ड किया हुआ होता है विद सम लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, loosely held electron, जैसे आपने valence electron का concept भी पढ़ा होगा। अब होता क्या है,
अगर मैं एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करता हूं, ठीक है, ये बेसिकली जो सांप की तरह आ रहे हैं ना, ये आपके फोटॉन्स हैं, ठीक है। अगर मैं एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करता हूँ, फोटॉन्स इसके ऊपर स्ट्राइक कराता हूँ, अल्टीमेटली फोटॉन जब आ रहे होंगे तो अपने साथ एनर्जी लेके आ रहे होंगे, तो होगा क्या कि वो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कराना शुरू कर देंगे, यानी कि इसमें से कौन निकलेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एक डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाए तो वो क्या करेंगे, वो फोटो करंट फॉर्म करना शुरू कर देंगे। इस फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोला मैंने, मैंने ये कहा फोटॉन्स का आना, मेटल को स्ट्राइक करना और वहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कराना, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या होता है, कैसे होता है, मैं क्विकली इसकी एक समरी आपको देता हुआ चला जाता हूं, ठीक है। देखो देखो बच्चे, होता क्या है हमारे पास, कुल मिला के कहानी ये होती है, जो मेटल होता है ना उसने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बात चल रही है। अच्छा, हमें ये बात पता है कि मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मेटल के पास बहुत सारे, यही जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं ड्यू टू द बाइंडिंग फोर्सेस, जिनको हम वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेटल का वर्क फंक्शन। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आप याद रखना वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन आपके पास क्या है, वो एनर्जी जिससे मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है, वो एनर्जी जिससे मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, उसको हम क्या नाम देते हैं जनाब, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, मेटल टू मेटल अलग अलग होता है, हर मेटल का अपना खुद का जाती वर्क फंक्शन होता है जो उसकी खुद की नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एक मेटल की बात कर रहे हैं, इस मेटल का वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोलोगे सर अभी आपने कहा वर्क फंक्शन इज द एनर्जी जिससे मेटल ने वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस में होल्ड किया हुआ था, और आगे से यूनिट आपने लिख दी उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें तो पढ़ाया गया था एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स। बिल्कुल, देखो एनर्जी की यूनिट जूल्स होती है, लेकिन जब भी हम सब एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, उस वक्त जूल एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिहाज से चलेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 पावर माइनस 19 जूल के। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब क्या हुआ जना, मेटल आया, मेटल है, मेटल ने जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनको होल्ड किया हुआ है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितनी एनर्जी से होल्ड किया हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से होल्ड किया हुआ है, ये वर्क फंक्शन है, ठीक है। यानी कि अगर मैं मेटल को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूं तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, फिर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, फिर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मेटल टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, वर्क फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज द मिनिमम एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी मेटल को चाहिए होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपकी वर्क फंक्शन, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास फोटोन आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो फोटोन आ रहा है वो कितनी एनर्जी के साथ आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ आ रहा है। अब देखो होगा क्या, जरा समझना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, लेट से 3 फोटॉन्स आए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, जब 3 फोटॉन्स आएंगे तो जाहिर है 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से, बेसिक बात है ना, यहां पे जरा समझते हैं ना सारे की संख्या, 3 फोटॉन्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने निकल जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत रखता है, ठीक है। बिल्कुल आइडियल कंडीशन में बात कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे कोर्स के अंदर है, 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत रखता है, ठीक है। अभी देखते चलते हैं, अभी कॉन्सेप्ट बनेगा सब पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास फोटोन आया, उसके बाद एनर्जी कितनी थी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां चली गई इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बाकी की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बनाने में। जाहिर है इलेक्ट्रॉन वहां सरफेस से निकलने के बाद बावले की तरह खड़ा तो नहीं रहेगा, आगे मूव करेगा, उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो कहां से आ रही है, बची हुई एनर्जी से आ रही है। यानी कि अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो इक्वेशन बन जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहलाती है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जिसकी बेस के ऊपर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना उसकी बेस पे नहीं मिला था, इस बेस पे मिला था। ये है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कि फोटोन की एनर्जी बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन स्ट्राइक कराया तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां चले गए, वर्क फंक्शन में।
बाकी का बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ आ गया, काइनेटिक एनर्जी को बनाने में चला गया, ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखते चलो आहिस्ता आहिस्ता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या समझ में आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये समझ में आया, अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए किस तरीके से, फोटोन कैप्चर करके, फोटोन कैप्चर करके अगर आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, यानी कि फोटोन गेन करके अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, इस फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन आता है इलेक्ट्रॉन जाता है, एक्सरे में उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन आता है फोटोन जाता है। इस वेरिएबल फोटो इलेक्ट्रिक क्या है, फोटोन आ रहा है और कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अच्छा अब एक चीज देखना यहाँ पे जरा, अगर मैं 5 के बजाय 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन भेजता इसी मेटल के ऊपर, जिसके ऊपर अभी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, इसी मेटल के ऊपर अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन भेजता, फिर से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे चाहिए होता, मेटल को, बाकी का 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ जाता, काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे ही है, 10 में से 3 कहाँ चला गया, वर्क फंक्शन में, बाकी का 7 कहाँ जाता, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि यहां हमें नजर आ रहा है इस केस के अंदर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रही है वो कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये पहली वाली एग्जांपल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, वो बेसिकली आपके पास कितनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक हो। अच्छा मैक्सिमम क्यों कह रहा हूँ ये भी समझ लो, देखो जब यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ना मेटल से, तो ऐसा थोड़ी है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते ही फौरन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमें ये पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ये, कि ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, रैंडम आगे पीछे दाएं बाएं टकराते फिर रहे होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलने से पहले इनसे टकराएगा, जब टकराएगा तो एनर्जी लूज करेगा। ऐसा भी होता है कि वो सारी एनर्जी लूज कर दे और बाहर आ ही ना सके, लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैंने इसलिए कहा था कि मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल एक क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल एक आइडियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट है, कि जिसमें एक फोटोन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो हम जो कहते हैं ना ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन की बची हुई एनर्जी, तो इसको बुक वाले कहते हैं दिस इज द बची हुई एनर्जी, जो है ना ये हमारे पास कहलाती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास हो सकती है। यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया, 3 मेटल को दिया ताकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, अब इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ गई जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब बाहर निकलते हुए अगर वो टकराता है, 0.5 लूज करता है, तो हो सकता है 1.5 लेके निकले, ज्यादा टकराता है हो सकता है 1 लेके निकले, और टकराता है हो सकता है 0.5 लेके निकले। हाँ आइडियल केस क्या हो सकता है कि टकराया बगैर ही बाहर निकल जाए, ऐसा कभी होता नहीं है खैर, कि 2 भी 2 लेके निकल जाए। इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। चलो बराबर, अब अभी 2 एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, जब मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भेजा था तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो 2 थी, जब 10 का भेज रहा हूं तो 7 है। यानी कि हमें यहां से ना जो चीज नजर आ रही है वो ये आ रही है कि अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ा रहा हूँ, अच्छा मैंने नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ाया, पहले भी 3 फोटोन आ रहे थे, अब भी कितने फोटोन आ रहे हैं, 3 फोटोन आ रहे हैं। यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स को मैंने क्या रखा है, कॉन्स्टेंट रखा है, नंबर ऑफ फोटोन्स आर नॉट इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ फोटोन फिक्स है। मैंने क्या बढ़ाया, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाया। जब मैं एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाता हूँ तो मुझे ये नजर आ रहा है कि जो वर्क फंक्शन है ये तो कांस्टेंट है, देखो ना वर्क फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि वर्क फंक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मेटल पे, फाइ डिपेंड करता है मेटल की नेचर पे, मेटल ने ज्यादा फोर्सेस रखी हुई होंगी, ज्यादा फोर्सेस से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा होगा तो फाइ ज्यादा होगा, अदरवाइज कम होगा, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है। अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाता हूं तो फोटोन की एनर्जी के बढ़ाने से क्या चीज बढ़ रही है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इसका मतलब स्पीड भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½mv², यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन के बढ़ाने से मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड बेसिकली आपके पास क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर पहले 3 फोटोन थे तो जो अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, पहले 3 फोटोन थे वो भी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, अब 3 फोटोन है वो भी कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं वो भी कैसे हैं, कॉन्स्टेंट है, वो नहीं बढ़ गए। ऐसा नहीं हो गया अगर आपने एनर्जी बढ़ा दी तो, मिसाल के तौर पे किसी के जहन में ये आ जाए कि यार 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन था वो 1 निकाल रहा था, अब 10 का आ गया वो 2, एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, याद रखना एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, यही क्लासिकल मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का फर्क है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट है,
अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होंगे तो इसका मतलब क्या है, फोटो करंट भी अपने पास कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। फोटो करंट क्यों कांस्टेंट होगा, करंट का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। जब फोटो, जब आपके पास चार्ज कांस्टेंट है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या डिफाइन करेंगे, चार्ज। जब चार्ज कांस्टेंट है इसका मतलब करंट भी कैसा होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बेसिक सी बात हो गई। ठीक है, ये हमारा पहला रिजल्ट। पहला रिजल्ट क्या है कि फोटोन की एनर्जी के बढ़ाने से क्या क्या होता है। फोटोन की एनर्जी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है। ये जगह मैंने छोड़ी भी, यहाँ कुछ लिखना है मैंने। ठीक है, और क्या होता है, फोटोन की एनर्जी के बढ़ाने से, देखो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ना आपने दो ही चीजों को चेंज करना है, ये दो चीजें जो आपके सामने लिखी है इन्हीं को चेंज करना है। एक बार आप फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे और नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट रखोगे, इस नंबर ऑफ फोटॉन्स को आपकी किताब वाले कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया। अगर मैं कहता हूं ना इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स जो यूनिट एरिया पे स्ट्राइक कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी बढ़ा रहा हूं, इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहा। जब इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा फिर एनर्जी को कांस्टेंट करूंगा, फिर उसका रिजल्ट देखूंगा मैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इंटेंसिटी कैसी रखी है, इंटेंसिटी मैंने रखी है कांस्टेंट। तो एनर्जी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, स्पीड बढ़ी, लेकिन चूंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट थी तो आपके पास चार्ज कैसा रहा कांस्टेंट, तो फोटो करंट भी कैसा रहा आपका कांस्टेंट। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा मजीद देखो, यहां पे हमने अभी अभी देखा कि जब मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन देता हूं, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने सिर्फ एक एग्जांपल अज्यूम करी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल के पास जाएगा, बाकी का कहां जाएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा। इसी तरह अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन है तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल को देगा, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी बन रही थी, 2 बन रही थी ना, जो बची हुई एनर्जी है इसमें से इसको माइनस करके, और यहाँ पे आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। यानी कि हमें नजर आ गया फोटोन की एनर्जी के बढ़ाने से, फोटोन की एनर्जी को बढ़ाने से आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा अब जरा यहाँ देखो, अगर मिसाल के तौर पे मैं एक 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन स्ट्राइक करा दूं मेटल पे, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 3 का अगर मैं एक स्ट्राइक करा दूं तो क्या होगा, तो 3 मेटल को चाहिए, 3 मेटल को मिल जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी 0। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन देखो ऊपर क्या लिखा था, फोटोन का आना और इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग फोर्सेस से रिलीज होना, भले बाहर निकले ना निकले, पॉइंट समझ आ रहा है, आइडियल केस में तो बाहर भी निकल आएगा। आइडियल केस का मतलब ये कि अगर उसको बाहर निकलने के लिए रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा तो बाहर भी आ जाएगा। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल हुआ, इसीलिए हमारी किताब वाले कहते हैं अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा है या बराबर है वर्क फंक्शन के, तो हम कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस होगा या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा, ये आपके पास एक और पुराना एमसीक्यू है। क्या कि आपके पास क्या कंडीशन है फोटोन की एनर्जी की, आपके पास क्या कंडीशन है फोटोन की एनर्जी की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि एनर्जी ऑफ फोटोन मिनिमम क्या है, कम से कम क्या कंडीशन है, कम से कम ये कंडीशन है कि मिनिमम क्या है कि एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी इक्वल टू वर्क फंक्शन। इस केस में नुकसान क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 0। रियल लाइफ के अंदर इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा क्योंकि आपने बाइंडिंग फोर्सेस को तो ओवरकम कर दिया। ठीक है, हाँ अगर आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन के मुकाबले में ज्यादा है तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो बेसिकली क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या नहीं आएगा ये दोनों केस में रियल लाइफ में गारंटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन का बाहर आना या ना आना डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कितनी टकरियां मारनी पड़ेंगी। हाँ आइडियल केस में तो पहले वाले केस में भी बाहर आ जाएगा, दूसरे वाले में भी बाहर आ जाएगा। आइडियल केसेस के अंदर आइडियल केस ये होता है कि बाहर आने के लिए उसको कोई रेजिस्टेंस फेस करनी ही ना पड़े। ठीक है, हाँ नॉन आइडियल केस में, इसलिए जब आप अच्छी किताबों में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो ना, वहां पर ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा होती है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन के बाहर आने की, किताब वाले ये लफ्ज यूज करते हैं अच्छी किताब वाले, इलेक्ट्रॉन के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उतनी आराम से वो एनर्जी को खर्च करके बाहर आ सकता है।
ठीक है, लेकिन हमारे केस में चूंकि आइडियल चलता है, आइडियल का मतलब है रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो वो आराम से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया, एक पॉइंट हमने ये पढ़ लिया। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सबके समझ में आ गई होंगी। अभी फोटो इलेक्ट्रिफाइड खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। अच्छा भाई, तो हम लोगों ने जो बात की थी, हम लोगों ने अभी ये बात कर ली कि हमारे पास जनाब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कि फोटोन आएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग फोर्सेस से आजाद हो जाएगा। फिर हमने देखा कि मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है वो बेसिकली वर्क फंक्शन के बराबर होती है, उससे ज्यादा होगी तो बाकी की एनर्जी कहाँ चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। अच्छा, अब हमें एक चीज पता है, हमें ये चीज पता है कि E इक्वल्स एच न्यू, या हमें ये भी पता है कि E इक्वल्स एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक हो गया, अब यहां से हमें एक बेसिक बात पता है, और वो ये कि E और न्यू का रिलेशन डायरेक्ट होता है या E और वेवलेंथ का रिलेशन कैसा होता है, जनाब इनवर्स होता है। ठीक है, अगर इसको समझना है यहां से देखो, जब आप E इक्वल्स एच न्यू करते हो ना, तो इसका मतलब ये कि इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी है, या इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग ये एनर्जी है। इसको ऐसे समझना, जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखता हूं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखता हूं 1 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी रखता हूं 1 हर्ट्ज, और मैं इस फॉर्मूले में इसको पुट करता हूं, तो अल्टीमेटली जो मेरे पास एनर्जी निकल के आएगी ना, वो आएगी 6.63 × −34 जूल्स। ठीक है, अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है जनाबे वाला, इससे हमें ये पता चल रहा है कि 1 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो कितनी है, 6.63 × −34 जूल। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर E इक्वल्स एच न्यू के अंदर जब 6.63 × −34 डालूंगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही होगी 1 हर्ट्ज, या वाइस वर्सा अगर मैं 1 हर्ट्ज डालूंगा तो एनर्जी कितनी आ रही होगी 6.63 × −34। हाँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से बढ़ा दूंगा तो एनर्जी भी 6.63 × −34 से बढ़ जाएगी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से कम कर दूंगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती है? तो अब देखो जरा, E इक्वल्स एच न्यू, अगर मैं E की जगह पे फाई रखता हूँ, फाई क्या है, वो कम अज कम एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने की सलाहियत रखती है, एच रखता हूं यहां पे, अब जो न्यू आता है ना बेटे, इस न्यू को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस न्यू को हम क्या नाम देते हैं, ये न्यू हमारे पास कहलाता है जनाब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम अज कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों, देखो अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, अल्टीमेटली फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, इस केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। इसी तरह से अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली वो जो ऊपर पूरा मंजन बेचा उसके लिहाज से एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी। इसी तरह से मैं ये कह सकता हूं, अगर आप खुद देखो, अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता, और फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम उस वक्त होगी अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है, तो काइनेटिक एनर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बोलोगे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं एक बार दोबारा से कहानी को समराइज कर दूं, तो हमने ये पढ़ा कि हर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक डेडिकेटेड एनर्जी होती है। जैसे 1 हर्ट्ज की अगर मैं फ्रीक्वेंसी पुट करता हूं तो एनर्जी आएगी 6.63 × −34 जूल्स। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 1 हर्ट्ज से बढ़ाऊंगा तो एनर्जी इससे बढ़ जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी को 1 हर्ट्ज से कम करूंगा तो अल्टीमेटली एनर्जी इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मैंने कहा कि अगर मैं E equals H new वाले फॉर्मूले के अंदर E की जगह पे phi को प्लेस करता हूँ, phi क्या है, वर्क फंक्शन, वो मिनिमम एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए चाहिए, क्योंकि ये वो कम अज कम एनर्जी है जो मेटल को चाहिए ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके। तो phi की जगह पे जब मैं E की जगह पे जब मैं phi रखता हूँ, तो न्यू की जगह पे आने वाली फ्रीक्वेंसी को हम कह रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये वो कम अज कम फ्रीक्वेंसी है जिसपे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि न्यू नॉट करस्पॉन्ड कर रहा है फाई को। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है तो फोटोन की एनर्जी फाई से ज्यादा होगी। अगर
आपके फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है तो अल्टीमेटली एनर्जी भी फाई से क्या हो जाएगी जनाब, कम हो जाएगी, इसलिए इसकी इतनी अहमियत है। ठीक है, यह हमें समझ में आ गया, पूरी कहानी हो गई। तो हमने दो कंडीशंस पढ़ ली, एक कंडीशन ये थी कि उसके लिए, और दूसरी कंडीशन इसी से मिलती जुलती कि फोटोन की एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द बेसिक फंडामेंटल एनर्जी, या जिसको आप वर्क फंक्शन कह सकते हो। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हमारे पास जो है ना, अब क्या होता है, अब हमें एक और चीज पता है, हमें ये चीज पता है जनाब, E equals hc divided by lambda, एनर्जी और वेवलेंथ की रिलेशन कैसी है, इनवर्स है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे फाई को पुट करता हूं तो फाई के लिए जो लेमडा आता है इसको हम कहते हैं लेमडा नॉट। लेमडा नॉट हमारे पास कहलाता है जनाब कट ऑफ वेवलेंथ। क्या कहलाता है ये, कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ बेसिकली हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ये वो आखिरी वेवलेंथ है, ये वो आखिरी लिमिट है, या ये आखिरी वेवलेंथ है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सर फ्रीक्वेंसी तो आपने कहा मिनिमम है, एनर्जी भी आपने कहा ये मिनिमम है, तो फिर अब लैम्डा के लिए मैक्सिमम का लफ्ज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ की रिलेशन कैसी है, इनवर्स है। देखो अच्छे से समझो, अगर मैं ई की जगह पे फाई लिख रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, लैम्डा नॉट मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि अगर मेरे फोटोन की वेवलेंथ, गौर से सुनना, अगर मेरे फोटोन की वेवलेंथ इससे ज्यादा है तो एनर्जी फाई से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है, अगर मेरे फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा नॉट से ज्यादा है तो जो मेरे फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर मेरे फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा नॉट है तो जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है। अगर मेरे फोटोन की वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ से ज्यादा हो गई तो एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन आपस में कैसा है, इनवर्स है, और इसके ऊपर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, इसको याद रखना। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन आपके पास कम हो जाए वर्क फंक्शन से तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, आप बोलोगे फोटोन की जो वेवलेंथ है इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू द कट ऑफ वेवलेंथ, वो या तो कट ऑफ वेवलेंथ के बराबर हो सकती है या इससे कम हो सकती है। दिस इज द थर्ड कंडीशन। ये एग्जामिनर ये सब एमसीक्यू में पूछेगा आपसे, ए टू जेड चीजें पूछता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो हमने वर्क फंक्शन पढ़ लिया, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पढ़ लिया हमने अच्छे तरीके से, इसके अलावा हमने कट ऑफ वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ये सारी की सारी चीजें हमने अच्छे तरीके से पढ़ ली। अब हमें यहां तक ये समझ में आ गई कि अगर आप फोटोन, अच्छा दो चीजें आप चेंज कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं ना, जो हम अभी कह रहे थे फोटोन की एनर्जी के बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो फोटोन की एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बढ़ाओगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, या वेवलेंथ को कम करके। इन सब बातों का मतलब एक ही है, वेवलेंथ कम कर रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मतलब एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो मतलब एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ाओगे लेकिन साथ साथ शर्त है कि आपने नंबर ऑफ फोटॉन नहीं बढ़ाने या नहीं कम करने, तभी तो रिजल्ट पता चलेगा भाई। अगर आप सब चीजें एक साथ चेंज कर दोगे तो आपको इफेक्ट कैसे पता चलेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट रखे हुए, नंबर ऑफ फोटॉन्स को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है कि आपने इंटेंसिटी कैसी रखी हुई है, आपने इंटेंसिटी फिक्स की हुई, इंटेंसिटी वेरी नहीं कर रही। एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर या वेवलेंथ के ऊपर, इंटेंसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर आप एक टॉर्च जलाओ और उसको अपनी आंख के बिल्कुल करीब ले आओ, चुपती है ना ज्यादा, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो सोर्स ऑफ फोटोन जितना करीब आना शुरू हो जाएगी ना मेटल की, इंटेंसिटी उतना बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखना इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, यानी कि जो फोटोन की सोर्स है, जो लाइट की सोर्स है, वो जितना मेटल प्लेट के करीब आना शुरू हो जाएगी अल्टीमेटली इंटेंसिटी उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक सारा। तो क्या बात चल रही, अच्छा एनर्जी इसी तरह से चेंज कर सकते हो, और ये अच्छा फिलहाल हमने क्या बात की, फिलहाल हमने ये किया हुआ कि आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी कि इंटेंसिटी को अपनी क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। तो हमने ये देखा जब आप एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाते हो इसकी वजह से हमारे पास वर्क फंक्शन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट रहता है, अलबत्ता काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ हमारे पास स्पीड भी क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हम एक और टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसके बाद हम फिर जाएंगे इंटेंसिटी की तरफ, उस टर्म को हम कहते हैं जनाब स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, देखो अब बच्चे हमारे पास सीन क्या होता है,
हमारे पास सीन कुछ ऐसा होता है, जब आपने इसका अगर इसका अपरेटस देखा होगा ना, तो उसका अपरेटस ऐसा होता है कि आपके पास ना ऐसे दो मेटल प्लेट्स होती हैं जो कि ऐसे आमने सामने लगी हुई होती हैं। अब सीन कुछ सीन सपाट कुछ ऐसा होता है कि आप एक मेटल प्लेट के ऊपर जो है ना ये फोटोन स्ट्राइक कराते हो, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, दो मेटल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा होता है। अब होता क्या है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, ये बेसिकली जाने की कोशिश करता है दूसरी प्लेट के ऊपर, जिसको हम कलेक्टर प्लेट कहते हैं। देखो दो प्लेट्स होती है, एक इमिटर प्लेट होती है, एक कलेक्टर प्लेट होती है। इमिटर प्लेट वो होती है जहां से आप इलेक्ट्रॉन इमिट करा रहे हो, कलेक्टर प्लेट वो है जहां पे आप कलेक्ट करा रहे होते हो। अब आपको कैसे पता चला, यानी कि अक्ल से सोचने वाली बात है ना, आपने जब एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाई तो आपको कैसे पता चला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गई है? मैंने तो ऐसे बता दिया ना कि मैथमेटिकली आपको ये चीज जस्टिफाई कर दी, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे पता चला? प्रैक्टिकली ऐसे पता चला कि अगर आप कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू करो तो इससे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने से रुकेंगे। मिसाल मिसाल से ऐसे समझ लेते हैं कि तीन फोटॉन्स आए, ऐसे समझ लो तीन फोटॉन्स आए, गौर से सुनना, मिसाल तीन फोटॉन्स आए हमारे पास, जो तीन फोटॉन्स थे हर फोटोन के पास एनर्जी थी, लेट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हर फोटोन के पास एनर्जी थी कितनी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, और मेटल को चाहिए थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 10 में से 3 निकाल दो तो पीछे कितना बचता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि मिसाल जो हम चल रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो सकती है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जाहिर है जब आपका इलेक्ट्रॉन टकरा टकरू के निकलेगा तो सबके पास तो एक बराबर एनर्जी नहीं होगी, तो मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी कहाँ चली गई, मिली सबको साथ साथ थी, बाकी इन्होंने लूज कर दी, और मान लो एक के पास पूरी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। मिसाल देने सिर्फ समझने के लिए मैं फिर एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आके बारी बारी स्ट्राइक, तीनों इलेक्ट्रॉन आके, तीनों सॉरी फोटॉन्स आ रहे हैं, हर एक की एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आके स्ट्राइक करते हैं मेटल प्लेट के साथ, मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तीन फोटोन का मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते होंगे, ठीक हो गया। अब 10 में से 3 गया, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, इन 3 इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होनी चाहिए थी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन मुझे ये बात पता है कि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, और हर दफा तो ये नहीं होती, कभी ज्यादा होगी, मतलब कभी 7 पूरी होगी, कभी उससे कम होगी, डिपेंड करता है कि इन्होंने निकलने से पहले कोलिजन्स कितने करे। तो मैंने मान लिया एक के पास 7, एक के पास 3, एक के पास 5 है। अच्छा एक और एग्जाम्पल अज्यूम कर लो कि मिसाल के तौर पे अगर मैं -1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, -1 वोल्ट अप्लाई करता हूँ, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन को रोक सकता है, ठीक है, यानी कि -1 वोल्ट इस काबिल है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा ना, तो मान लेते हैं -1 वोल्ट इस काबिल है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, सेट है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे -1 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रुका, तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। मुझे कैसे पता चला तीनों इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे मैंने एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, एमीटर का काम होता है करंट को नापना, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये बेसिकली क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं फोटो करंट, क्या बना रहे हैं, ये फोटो करंट बना रहे हैं, तो जो फोटो करंट बन रहा है वो फोटो करंट मैंने मेजर कर लिया एमीटर से, ठीक हो गया। फिर मैंने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते मैं कहां पे आ गया, -3 वोल्ट पे आ गया। अब -3 वोल्ट पे एक इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, 2 अभी भी आ रहे होंगे, 5 वाला और 7 वाला अभी भी आ रहे होंगे। मुझे कैसे पता चला, एमीटर की रीडिंग कम हो गई, करंट की वैल्यू कम हो गई, करंट की वैल्यू कम क्यों हो गई, एक इलेक्ट्रॉन रुक गया, 2 अभी भी आ रहे हैं। देखो ना करंट किस पे डिपेंड करता है, आई इक्वल्स क्यू डिवाइडेड बाय टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा फिर मैंने क्या किया जना, फिर मैंने क्या किया, मैंने -3 वोल्ट से बढ़ाते बढ़ाते -5 पे ले गया, जब -5 पे ले आया तो 2 इलेक्ट्रॉन रुक गए, -3 3 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला तो पहले ही रुक रहा था, -5 पे भी रुक गया, अब 5 वाला भी रुकना शुरू हो गया जो कि 5 इलेक्ट्रॉन वाला था। मजीद बढ़ाते 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 मैं इसको कहां पे ले आया, -7 वोल्ट के पोटेंशियल पे ले आया। जब मैं -7 वोल्ट के पोटेंशियल पे ले आया तो एमीटर ने रीडिंग क्या दी मुझे, कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये बेसिकली मेरे पास कहला रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, टू स्टॉप द
मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें दो टर्म है, अच्छी तरह समझ लेना। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने सबसे तगड़ा इलेक्ट्रॉन रोक लिया तो बाकी तो छोटे हैं, वैसे ही रुक जाएंगे। भाई खुद सोचो, अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन रोकने में कामयाब हो जाता हूं तो 3 और 5 वाला तो बेचारा बहुत पहले ही रुक चुका होगा, कोई टेंशन ही नहीं है। मिनिमम अमाउंट का क्या मतलब है? देखो, -7 वोल्ट के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रुक रहा है मिसाल के तौर पे, तो -8 पे नहीं रुकेगा, ऑब्वियसली रुकेगा। ऐसे समझ लो, एक मोबाइल है वो 1 लाख रुपए का मिलता है, मेरे पास अगर 1,20,000 रुपए तो मैं ऑब्वियसली वो मोबाइल खरीद सकता हूँ। मिनिमम अमाउंट कितनी चाहिए? 1 लाख रुपए। ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो वापिस आओ, जब आप एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाते हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ कम होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता है? बढ़ता है। क्योंकि जाहिर है जितना ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आएगा उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन के वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ज्यादा होगा। ये था। अब इसके बाद क्या देखा गया? अब आपने उल्टा काम किया, अब आपने एनर्जी ऑफ फोटोन रखी कॉन्स्टेंट। जब आपने एनर्जी ऑफ फोटोन कॉन्स्टेंट रखी, अब क्या हुआ? अब आपने क्या बढ़ाना शुरू करी? अब आपने इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू करी। इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है? इंटेंसिटी होती क्या, पहले तो समझ लो। इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो ना, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप डिस्टेंस को कम कर रहे हो बेसिकली, ठीक है भाई। एक सोर्स ऑफ फोटोन है, जिसकी मिसाल एक टॉर्च है आपके पास, ठीक है, उसको आप बिल्कुल आंख के करीब ले आओ, इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है, ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं उसी जगह पे आपके पास। इंटेंसिटी बढ़ा रही है, डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि आपने बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना शुरू कर दिए। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना शुरू कर दिए और इस चीज का आपने ख्याल करा कि एनर्जी ऑफ फोटोन भले कॉन्स्टेंट है लेकिन एनर्जी जो है ना वो फाई से ज्यादा होनी चाहिए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक कंडीशन है। अगर आपकी जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो फाई से ज्यादा नहीं है, फाई के या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो, अगर ऐसा नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। याद रखिएगा, दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी इक्वल टू फाई या उससे ज्यादा, ठीक है। जब आपने फोटोन बढ़ाना शुरू करे तो देखा ये गया कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे, जो इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर आ रहे थे, वो भी क्या होना शुरू हो गए? बढ़ना शुरू हो गए। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो गए तो करंट बढ़ना शुरू हो गया, फोटो करंट क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया, ठीक हो गया, फोटो करंट बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी रही? कॉन्स्टेंट रही, ठीक है। इसको देखो ऐसे समझो, आपके पास मिसाल के तौर पर पहले आपके पास 3 फोटॉन्स आते थे, अब जरा समझना, 3 फोटॉन्स आते थे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, मेटल को चाहिए था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बन जाती थी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाया करती थी, बड़े मजे से, ठीक है। अब आपके पास 300 फोटॉन्स आ रहे हैं, यानी कि आपने क्या बढ़ा दी? इंटेंसिटी बढ़ा दी, लेकिन स्टिल फोटोन चूंकि एनर्जी का पैकेट है, हर फोटोन की एनर्जी अभी भी कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब 300 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक हो गया, और हर एक की काइनेटिक एनर्जी अभी भी कितनी है? हर एक की काइनेटिक एनर्जी अभी भी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन है। बस फर्क इतना है कि यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, यहां पे 300 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, यानी कि करंट क्या हो गया? बढ़ गया है, सही है, करंट क्या हो गया है? बढ़ गया। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिक्स है, और जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो भी फिक्स है। क्यों? अबे भाई, आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स क्यों है? क्योंकि पहले भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम के निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन, अभी भी कितने के निकल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। मतलब अगर एक प्लेट है, वो प्लेट 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला रोक सकती है, तो जाहिर है 300 इलेक्ट्रॉन अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाले होंगे उनको भी रोक सकती है। हाँ, अगर किसी की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी, अब उसको रोकने के लिए पोटेंशियल नेगेटिव ज्यादा देना पड़ेगा वहां पर। यानी कि देखा ये गया, अगर बिल्कुल कंक्लूड करें तो एनर्जी ऑफ फोटोन रिलेट करती है काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल को, इंटेंसिटी रिलेट करती है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या फोटो करंट को। ये इसका लुब्बे लुबाब था। अब जो आपने इसका पढ़ा है, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर है किसके? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। अब इसकी हमारे पास मजीद शक्लें भी हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन को आप ऐसे भी लिख सकते हो एच न्यू पी, या ऐसे भी लिख सकते हो एच सी अपॉन लैम्डा पी, बिल्कुल ऐसे ही
फाइव को भी आप ऐसे लिख सकते हो, फाइव बराबर है एच न्यू नॉट विच इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या एच सी अपॉन लेमडा नॉट विच इज द क्या कट ऑफ वेवलेंथ। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी के भी हम दो फॉर्मूले पढ़ सकते हैं यहाँ पे। एक होता है जनाब हाफ एम वी स्क्वायर, इसको किताब वाले मैक्सिमम स्पीड भी कहते हैं। जाहिर है जब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिया है काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है, ठीक है, लाजमी नहीं है इतनी हो। और एक और फॉर्मूला हम पढ़ सकते हैं ई वी नॉट, ये कहां से आया, ये आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल बराबर होता है ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, और जब क्यू को वहां ले जाएंगे तो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी। तो आपने चार्ज पे जितना काम किया वही बेसिकली यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। ये वही चीज हो गई ई वी नॉट हमारे पास आ गया, जो चार्ज पे आपने जो भी काम किया है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नजर आ रहा है। जो वी नॉट है ना, कानों वाला वी, जो है ये कानों वाला वी, ये बेसिकली आपके पास क्या चीज है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। वंस अगेन यहाँ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होता है। इसके भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपने करने हैं लाजमी, ये भी एक एग्जामिनर का इंटरेस्टिंग और फेवरेट क्वेश्चन है, और मैंने इसमें भी कोशिश करी है आपको हर चीज बताऊं। ऑब्वियसली ग्राफ मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि ग्राफ पे डिटेल वाले डोमेन में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ईकेट सिंध वालों के लिए बनल वो जरूरी नहीं है। यहां तक सब क्लियर हो गया, ताकि मैं कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन पे चलूं, ठीक है बेटे। ये हमारे पास था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देख लो हमारे पास जो कॉम्पटेंस इफेक्ट होता है, ठीक है, कॉम्पटेंस इफेक्ट भी बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर भी हमारे पास फोटोन की इंटरेक्शन है विद द मैटर, ठीक है। अच्छा, ये दो जो अभी हमने स्टार्ट में पढ़े ना, ये हमारे थोड़े डिटेल टॉपिक्स थे, बाकी इतने ज्यादा डिटेल नहीं है, बाकी थोड़े से छोटे टॉपिक्स हैं, वो और आसानी से हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा चलो समझ लेते हैं अभी जरा। ये सपोज करो यहाँ कहीं पे मेरे पास जो है ना वो एक अदद इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, बस चीजों को समझते जाना। और यहाँ पे क्या हुआ, एक फोटोन आया और इस फोटोन ने आके इसे स्ट्राइक कर दिया, ये एक फोटोन आ रहा है। जो ये फोटोन आ रहा है इसकी एनर्जी को मैंने मान लिया, दिस इज ई आई, इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन। जब फोटोन इससे स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने के बाद फोटोन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में चला जाता है, इसकी एनर्जी को मैंने कह दिया ई एफ, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इस डायरेक्शन में मान लीजिए ऐसे स्कैटर हो जाता है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो गए, फोटोन यहाँ स्कैटर हो गया ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन यहाँ स्कैटर हो गया, ठीक हो गया, दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या हो गए, स्कैटर हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसका कुछ स्कैटरिंग एंगल बन गया थीटा, इसका भी कुछ स्कैटरिंग एंगल बन गया मान लो फाइव, ठीक है, दोनों का अपना अपना स्कैटरिंग एंगल बन गया, ठीक हो गया। अच्छा अब अगर आप देखोगे, अगर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट में रेस्ट में था तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ रेस्ट एनर्जी थी, जो कि हमें पता है एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं कह रहा हूं कि ये बेसिकली मेरे पास कैसा इलेक्ट्रॉन है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के पास अब रेस्ट एनर्जी के साथ साथ एक अदद क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई है, ये काइनेटिक एनर्जी जो आपका इनकमिंग फोटोन था ना उसने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा किसे दे दिया जनाब, इलेक्ट्रॉन को दे दिया, ठीक है। इसका मतलब मुझे यहां से ये नजर आ रहा है कि फाइनल एनर्जी ऑफ फोटोन कम होगी इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन के मुकाबले में, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा कहां चला गया, इसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन के पास चला गया, तभी तो आपको इलेक्ट्रॉन भाई साहब मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा होता, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, और वो एक ही मतलब हमारे पास क्या है, आपके पास ये जो है जिसे कहना चाहिए ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका बेसिक मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई है। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई है, ये काइनेटिक एनर्जी फोटोन की एनर्जी में से आई है, फोटोन की एनर्जी का हिस्सा है, फोटोन की एनर्जी का पार्ट है, ठीक है बच्चे। ये आ गया फोटोन की एनर्जी का क्या हो गया, ये हमारे पास पार्ट हो गया। अब हमें पता है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है डायरेक्ट, इसका मतलब जो आने वाला फोटोन था उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी और जो जाने वाला फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी जो आने वाला फोटोन था उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी और जो जाने वाला फोटोन था उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है मैंने सिंबल यहाँ उल्टे बना दिए दोनों जगह पे, ठीक है। हमारे पास आने वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा थी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो बेसिकली यही है कि आने वाला जो फोटोन है ना इसकी एनर्जी कैसी है, ज्यादा है, और जाने वाले फोटोन की एनर्जी क्या है, कम है, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इधर दे दिया।
अब हमें पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है। तो अगर मैं ये बनाऊंगा तो ये पता चलेगा फाइनल फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा होगी और इनिशियल फोटोन की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आपके पास लैम्डा आई का मतलब ये है इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा एफ का मतलब क्या है, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ, ठीक हो गया। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है हमारे पास कि हमारा जो इसे समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो अपना फोटोन आके स्ट्राइक कर रहा है तो आने वाले फोटोन की वेवलेंथ कम थी, जो फोटोन आ रहा था जो इंसिडेंट हो रहा था इसकी वेवलेंथ कम थी, और जो फोटोन जा रहा है इसकी वेवलेंथ कैसी है, ज्यादा है। यानी कि वेवलेंथ में एक इंक्रीमेंट आया है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि इंक्रीज इन वेवलेंथ आया है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फिनोमेना को हम कहते हैं कॉम्पटेंस इफेक्ट। और ये जो शिफ्ट आता है ना वेवलेंथ के अंदर डेल्टा लैम्डा, दैट इज लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई, इसको हम कहते हैं कॉम्पटेंस शिफ्ट इन वेवलेंथ। ये कहलाता है कॉम्पटेंस शिफ्ट इन वेवलेंथ। डेल्टा लैम्डा इज लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई, ठीक है। पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि ये शिफ्ट इन वेवलेंथ क्यों आ रहा है। तो डेल्टा लैम्डा का जो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज गिवन बाय डेल्टा लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये जो थीटा है ये बेसिकली आपका स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन है। मैंने स्कैटरिंग एंगल इलेक्ट्रॉन का कंसीडर नहीं किया, याद रखना ये चीज, ठीक है। डेरिवेशन उसका रीजन है, ये क्या है स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन है। अब अगर आप देखोगे तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, कौन सी, ये जो h अपॉन m नॉट c है, h हमारे पास क्या होता है, h हमारे पास होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। m नॉट क्या है, m नॉट है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेस्ट मास ऑफ फोटोन नहीं हो सकता क्योंकि रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो होता है। c क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट है। यानी कि हमें नजर आ रहा है ये सब का सब क्या है, कांस्टेंट है ना। h भी कांस्टेंट है, m नॉट भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। ये जो पूरा कांस्टेंट होता है ना ये कहलाता है कॉम्पटेंस वेवलेंथ। ये क्या कहलाता है, कॉम्पटेंस वेवलेंथ। और इस कॉम्पटेंस वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास है 2.43 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। ये याद रखना, ये भी हमारे पास एमसीक्यू के अंदर पूछी जाती है, ये कॉम्पटेंस वेवलेंथ की वैल्यू होती है, ये कॉम्पटेंस वेवलेंथ है, ठीक है। कॉम्पटेंस वेवलेंथ क्या है, h अपॉन m नॉट c है। यानी कि आपके पास जो शिफ्ट इन कॉम्पटेंस वेवलेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, कॉस के फंक्शन पे, और कॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, आगे स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन पे, ठीक है। अब इसका एक मिसाल के तौर पर अगर एक सवाल कर लिया जाए कि व्हाट विल बी द कॉम्पटेंस शिफ्ट इन वेवलेंथ इफ, इसके न्यूमेरिकल इतने ज्यादा नहीं आते, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं इसके भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। कह रहा है कि अगर स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन जो है वो मिसाल के तौर पर, स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन मिसाल के तौर पर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। अगर ये दिया हुआ है तो आपने बताना है कॉम्पटेंस शिफ्ट इन वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। ठीक है, अगर हम इसको वैल्यूज प्लेस करके सॉल्व करेंगे तो डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, यानी कि 2.43 10 की पावर माइनस 12 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 1 माइनस 0 यानी कि 1, यानी कि आंसर क्या आता है 2.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और ये किसके बराबर है, कॉम्पटेंस वेवलेंथ के बराबर है, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री वो एंगल है, इसको ना ऐसे उलट के भी पूछ सकता है कि 90 डिग्री वो एंगल है या वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर शिफ्ट इन वेवलेंथ कॉम्पटेंस वेवलेंथ के बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि शिफ्ट इन वेवलेंथ जीरो कब होती है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे अगर आपके पास थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री है, थीटा का वैल्यू क्या है, जीरो डिग्री है, तो शिफ्ट इन वेवलेंथ जीरो आ जाएगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा लैम्डा इज h अपॉन m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। देखो अगर थीटा जीरो डिग्री है तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 माइनस 1 क्या होता है, जीरो, तो शिफ्ट इन वेवलेंथ कितनी आएगी, जीरो आएगी। इसको आप वैसे भी समझ सकते हो, अगर थीटा जीरो डिग्री है इसका मतलब स्कैटरिंग हुई नहीं, फोटोन स्कैटर ही नहीं हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आगे पीछे कहीं गया ही नहीं, तो शिफ्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी आपसे वो पूछ सकता है वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर शिफ्ट इन वेवलेंथ ट्वाइस ऑफ द कॉम्पटेंस वेवलेंथ के बराबर है।
जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 180 डिग्री। सॉल्व कैसे करोगे? बाय शिफ्ट इन वेवलेंथ की जगह पे रख देना ट्वाइस ऑफ कॉम्पटेंस वेवलेंथ और आगे सिंप्लीफाई कर देना सवाल को। यहां रखना 2h/m0c (1-cos θ, ठीक है। कॉम्पटेंस वेवलेंथ हमें पता है ऑलरेडी कितना होता है, कॉम्पटेंस वेवलेंथ हमें पता है h/m0c के बराबर होते हैं। ये सारे एमसीक्यू यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में आए हुए हैं। ये हमारे पास क्या है, h/m0c है, ये क्या हो जाएगा 1-cos θ। अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है वो कर दो, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि यहाँ बचता है 2 will be equal to 1-cos θ, cos थीटा को वहां फेंक दो, 2 को यहाँ ले आओ, यानी कि cos थीटा will be equal to 1-2, यानी कि -1, थीटा will be equal to cos inverse -1, cos inverse -1 कितना होता है 180 डिग्री। और ये याद रखना, ये हमारे पास होता है मैक्सिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ। ये यानी कि अगर सवाल आया ना मैक्सिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ, मैक्सिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ कब आता है फोटोन की कॉम्पटेंस इफेक्ट में, तो ये हमारे पास कब होता है जनाब, ये हमारे पास होता है 180 डिग्री के ऊपर। एक और चीज, जब आप कॉम्पटेंस इफेक्ट का फिनोमिना पढ़ोगे किताब विताब से, तो इसका ख्याल करना कि आपके पास एक्स रेस के फोटोन जो है ना वो बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं। एक्स रेस के फोटोन कॉम्पटेंस इफेक्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अमूमन विजिबल फोटोन यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। जो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के होते हैं ना, यानी कि आपके पास जो विजिबल वाले हैं, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो फोटोन है वो क्या परफॉर्म करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो आपके पास एक्स रेज वाले फोटोन है ये बेसिकली क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, कॉम्पटेंस इफेक्ट। अभी जो हम अगला पार्ट पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन पेयर एनाहिलेशन वाला, उसके अंदर हमारे पास जो गैमा रेज वाले फोटोन होते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या परफॉर्म करते हैं, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनाहिलेशन का हिसाब किताब। इसका मतलब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बात करूं ना, वही जो मैंने एक जुमला पढ़ाया था, राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, ये वाले फोटोन की एनर्जी होती है सबसे कम, ये वाले फोटोन की एनर्जी दरमियान में है, इंटरमीडिएट है, ये वाले फोटोन की एनर्जी होती है सबसे ज्यादा। तो अगर आपके पास तीन तरह के फोटोन दिए जा रहे हैं तो आप कैसे क्लासिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी के कौन सा इफेक्ट हो रहा है, तो वो इस तरह से करेंगे। जो मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन होगा वो बेसिकली आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, जो उसके बाद इंटरमीडिएट वाला है वो कॉम्पटेंस इफेक्ट है, उसके बाद वाला आपके पास पेयर प्रोडक्शन या पेयर एनाइहिलेशन को शो कर रहा होगा, ठीक है। यहां तक की सारी कहानी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अच्छा भाई, अब जो हमारे पास अगला पार्ट है, ये हमने देख लिया कि हमारे पास जो लो एनर्जी फोटॉन्स हैं जब वो मैटर से इंटरेक्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, मीडियम एनर्जी वाले करते हैं तो अल्टीमेटली कॉम्पटन इफेक्ट होता है, और हाई एनर्जी वाले करेंगे तो वो बेसिकली ये होगा, ठीक है। अब देखो अगला जो हमारे पास पार्ट है ना, दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनाइहिलेशन, ठीक है। ये जो आइंस्टाइन की एनर्जी और मास की इक्वेशन थी ना, कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो बेसिकली आपको यहां से पता चलता है। पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, पेयर प्रोडक्शन के अंदर जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, मास के अंदर, ठीक हो गया। देखो दुनिया भर में दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, या तो एनर्जी होती है या मास होता है। तो पेयर प्रोडक्शन बेसिकली मिसाल है एनर्जी का कन्वर्जन किसके अंदर, मास के अंदर। कैसे होता है और इससे क्या सवाल पूछता है वो बताया था। मिसाल के तौर पर यह हमारे पास एक कोई हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस का मतलब है ये किसी ऐसे एटम का है जिसका मास नंबर ज्यादा है। आपने क्या करा, इसकी विसिनिटी में एक फोटोन भेज दिया। जब ये फोटोन इसकी विसिनिटी में जाता है, हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में, तो या तो आप ये कह लोगे वो इससे स्ट्राइक करता है या इसकी विसिनिटी से पास करता है, तो अल्टीमेटली ये आपका जो फोटोन है जो एनर्जी का पैकेट है ये खत्म हो जाता है, और उसकी जगह पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ना पार्टिकल एंटी पार्टिकल है। पार्टिकल एंटी पार्टिकल वो होते हैं जिनकी तमाम तरह प्रॉपर्टी सेम होती हैं, बस डिफरेंस किस चीज का होता है, चार्ज के साइन का डिफरेंस होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही सेम पॉजिट्रॉन का चार्ज है, बस साइन का फर्क है। अच्छा, एक चीज का ख्याल कर लेना कि भाई जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में जमीन आसमान का फर्क है। जबकि जो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा
ये आपका मास ऑफ पॉजिट्रॉन होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये बराबर होंगे 9.11 इंटू 10^-3 किलोग्राम के बराबर। ठीक हो गया, याद रखना। तो यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस है। अभी हमें ये नहीं पता कि हैवी न्यूक्लियस क्यों रखा जाता है, वो बताता हूँ मैं अभी। ठीक है, एक हैवी न्यूक्लियस है जिसकी सराउंडिंग में, जिसकी विसिनिटी में एक फोटोन आया जिसकी कुछ एनर्जी थी एच न्यू, और इस हैवी न्यूक्लियस से इंटरेक्शन के बाद, ठीक है, इससे इंटरेक्शन करने के बाद हुआ क्या कि ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर में, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई। अब जो ये पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना होता है, इसके अंदर तमाम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल होल्ड करते हैं, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ मास हो, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो, ये सब होल्ड करता है। ये सब याद रखना, ठीक है, कंजर्वेशन के प्रिंसिपल होल्ड करते हैं। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो होना तो ये चाहिए ना, फिर अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल होल्ड कर रहा है, इसका मतलब जो फोटोन की एनर्जी है, दिस विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, क्योंकि टकराने से पहले, इवेंट से पहले फोटोन था, टकराने के बाद क्या, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इसको अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या बन जाएगा, एच न्यू, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं लिखूंगा रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी पार्टिकल के पास दो एनर्जीज होती हैं, एक उसकी एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए होती है और दूसरी उसको मूव कराने के लिए चाहिए होती है, ऐसे ही है ना, टोटल एनर्जी यही होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूंगा तो एच न्यू विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ये दोनों के दोनों जो एम नॉट सी स्क्वायर है, इनको मैं ऐड कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू फिक्स होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पार्टिकल एंटी पार्टिकल है, तो अल्टीमेटली ये कैसा होगा, सेम होगा। तो ये बन जाएगा एच न्यू विल बी इक्वल टू 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है पेयर प्रोडक्शन की, याद रखना, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कई दफा पूछी जाएगी एज इट इज, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर पेयर प्रोडक्शन दिस इज। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन जानने में अगर मैं इंटरेस्टेड हूं कि यार मिनिमम कितनी एनर्जी का फोटोन होगा जो कि ये पेयर प्रोड्यूस कर सकता है, देखो अगर बेसिकली पेयर प्रोडक्शन है क्या, पेयर प्रोडक्शन है फोटोन का कन्वर्ट हो जाना इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, फोटोन का कन्वर्ट हो जाना किसमें, इलेक्ट्रॉन में और किसमें, पॉजिट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मिनिमम एग्जिस्ट करना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन बोल रहा हूं, पॉजिट्रॉन, ठीक है, आसान हो जाए एक मिनट। ठीक है, अगर हम मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन जानने में इंटरेस्टेड हैं तो भाई देखो आपके पास पेयर प्रोडक्शन से मुराद क्या है वो समझो। पेयर प्रोडक्शन से मुराद है फोटॉन का कन्वर्ट होना इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर एग्जिस्ट भी कर जाए तो पेयर प्रोडक्शन हो गया, नो नीड फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आती है, नो नीड फॉर द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव करना, देखो हम अभी बात कर रहे हैं मिनिमम के लिए, देखो मिनिमम क्या होता है, कम अज कम मिनिमम होता है, कम अज कम ये हो जाए तो हम कहेंगे हाँ यार ये हो गया। ठीक है, जैसे बात समझ आ रही है, भाई मिनिमम आपके अगर फिजिक्स में 33 मार्क्स आ जाए 100 में से, तो इसका मतलब आप पास हो, 100 मार्क लाना जरूरी नहीं है, 33 पे आप पास हो गए, हाँ अच्छी परसेंटेज के लिए आप कह सकते हो जरूरी हो जाएगा, ठीक है, पास हो जाओगे। तो अब अगर मैं मिनिमम एनर्जी की बात करूंगा तो फोटोन की मिनिमम एनर्जी इस काबिल होनी चाहिए कि वो रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेस्ट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस कर सके ताकि पेयर प्रोडक्शन हो जाए। तो एच न्यू should be equal to twice of m not c square, ये h nu का minimum criteria है, point समझ आ रहा है? This is the minimum criteria for pair production. अब ये examiner कैसे पूछते हैं? Examiner बोलेगा pair production के लिए क्या condition है? तो आप बोलोगे h nu should be greater than equal to 2m not c square. अगर h nu 2m not c square के बराबर है, देखो जब आप m not c square को calculate करोगे ना, m not c square को, तो आपका आंसर आएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आंसर आएगा?
सॉल्व करके देख लेना, एम नॉट की जगह पे 9.11 पावर माइनस 31 रखना, सी की जगह पे 3 × 10 की पावर 8 रखना, सिंप्लीफाई करना, जूल में आंसर आएगा 1.6 पावर माइनस 7 से डिवाइड करना, फिर 10 की पावर 6 से डिवाइड करना, ये बन जाएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की या कैलो के पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है। तो अब आपने आपका जो एक फोटोन है उसने एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना है और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करना है, यानी कि 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन और 0.51 ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए फॉर द पॉजिट्रॉन प्रोडक्शन, यानी कि कुल मिला के 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास होनी चाहिए। ये है मतलब इसका, यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर लिखा था गैमा से नीचे वाला फोटोन पेयर प्रोडक्शन नहीं कर सकता, दिस इज द रीजन। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम अज कम, कम अज कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन होगा तो वो पेयर प्रोड्यूस करेगा। 1.02 से ज्यादा का होगा तो जो बची भी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन में चली जाएगी, इससे नीचे का होगा तो पेयर प्रोडक्शन का सवाल पैदा नहीं होता। अब सवाल आता है सर यहाँ पे हैवी न्यूक्लियस क्यों है, हैवी न्यूक्लियस इसलिए ताकि मोमेंटम कंजर्व रह सके। देखो राइट साइड पे देखो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होते नजर आएंगे, आप कोई सी भी किताब उठा के देख लो। ऑपोजिट डायरेक्शन का फायदा क्या होता है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी जो आप पढ़ते हो ना, मोमेंटम मैंने कहा था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम भी होल्ड करता है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, पी इक्वल्स एम वी। तो इलेक्ट्रॉन का जितना अपवर्ड मोमेंटम है पॉजिट्रॉन का उतना डाउनवर्ड मोमेंटम है, तो राइट साइड का नेट मोमेंटम जीरो है। अब इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, फोटोन के पास भी मोमेंटम होता है जनाब, याद रखिएगा P equals H upon lambda, क्योंकि फोटोन के पास मूविंग मास होता है, रेस्ट मास जीरो है, फोटोन एग्जिस्ट अपने मोशन की वजह से कर रहा है। अगर फोटोन के पास एनर्जी है तो इसका मतलब उसके पास मूविंग मास भी है, तो फोटोन के पास मोमेंटम होता है। तो इसका काम होता है कि ये रिकॉइल जनरेट करें। रिकॉइल क्या होता है, जैसे अगर आप मिसाल के तौर पर सामने आपने कोई मल्टीफॉर्म का गद्दा लगाया और उसके ऊपर जाके आप धक्का मारते हो तो वो जिस ताकत से आप वापस आते हो ना वो रिकॉइल फैक्टर होता है। तो हैवी न्यूक्लियस का ये काम होता है एक द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हैवी न्यूक्लियस नहीं होगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रह सकेगा। बाकी आपके पास चार्ज भी कंजर्व रह रहा है क्योंकि फोटोन एक चार्जलेस पार्टिकल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज कितना है जीरो, राइट साइड पे आपके पास कौन कौन फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहा है और पॉजिट्रॉन फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव, नेट चार्ज कितना हो गया फिर जीरो हो गया, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबका सब चल रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो भी मैंने आपको सारी की सारी यहाँ पर बता दी। अच्छा अब हमारे पास जो हमारा फेयर प्रोडक्शन के बाद इसी के अंदर अगला है, दैट इज एनाइहिलेशन ऑफ मैटर। अच्छा जनाब, अब एनाइहिलेशन के अंदर हमारे पास क्या सीन होता है, एनाइहिलेशन ऑफ मैटर, देखो एनाइहिलेशन में क्या होता है, ऊपर ऊपर क्या होता है, ऊपर आपके पास जो वो था ना एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही थी, यहां क्या है, यहां उल्टा हो रहा है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे आया, एक पॉजिट्रॉन है वो ऐसे आया, आके स्ट्राइक कर रहे हैं। जब ये आपस में स्ट्राइक करते हैं तो अल्टीमेटली इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये ऐसे समझ लो दो अदद फोटॉन्स फॉर्म होते हैं और फोटॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं, ठीक है। आप में से जो भी लोग देख रहे हैं, इंशाल्लाह जब भी आप फ्री हो जाओ ना, मैं लेक्चर वगैरह ये पूरे करके एनडी का टेस्ट वेस्ट देंगे, तो एक बहुत अच्छा इंग्लिश नॉवल निगार है डैन ब्राउन, उसका एक नॉवल है एंजल्स एंड डीमंस के नाम से, ठीक है, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो, बहुत टाइम पहले पढ़ा था मैंने, उसमें यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसमें, वो बेसिकली मेरा ख्याल है यही वाला नॉवेल है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि ये कोई और है, बरहाल उसको देख लेना, उसमें एग्जैक्ट इसी चीज के ऊपर जो है ना वो बहस हुई है, सारी बहस इसी के ऊपर है। यानी कि अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है पार्टिकल, पॉजिट्रॉन क्या है उसका एंटी पार्टिकल, यानी पार्टिकल एंटी पार्टिकल को मिलाकर दो एंटी पैरेलल फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। एंटी पैरेलल तो इसलिए प्रोड्यूस हो रहे हैं ताकि मोमेंटम कंजर्व रह सके, लेकिन आप ये देखो, या आपको इसमें टेक अवे पॉइंट ये है कि जब पार्टिकल एंटी पार्टिकल के साथ मिलता है, जब पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है ना, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। फोटोन क्या होता है भैया, फोटोन एनर्जी तो होती है, और क्या होती है,
पार्टिकल एंटी पार्टिकल कोलाइड करा दो, अगर आप पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर पार्टिकल एंटी पार्टिकल को आपस में मिला दोगे तो फोटोन बन जाएगा, और फोटोन बेसिकली क्या होती है, एनर्जी होती है। तो वो एक तरह का ना वो रोम के अंदर वो कुछ चीज पता नहीं क्या उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो याद भी नहीं है, लेकिन बरल ये वाला था मुझे याद आ रहा है, देन रोम का एंजल्स एंड डीमंस था, ठीक है, उसमें वो जो है ना वो रोम कैथोलिक को कुछ उड़ाने की कोशिशें कर रहे होते हैं, तकरीबकारी कर रहे होते हैं, ठीक है बरल। तो ये होता है। अब अगर इसके अंदर भी वही सारी चीजें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मोमेंटम, एनर्जी, अब अगर मैं यहाँ पे एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, दिस शुड बी इक्वल टू 2 times the energy of photon, क्योंकि दो photon बन रहे हैं। अच्छा, अब आपके पास दो जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैसे लिखूंगा, वही बात, रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह पॉजिट्रॉन में भी क्या हो जाएगा, रेस्ट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, दिस विल बी इक्वल टू 2x of h nu। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है फॉर पेयर एनाइहिलेशन, ये सब पूछेगा आपसे। अब अगर मैं आपसे यहां पे पूछना चाहूं कि मिनिमम कितनी एनर्जी का फोटोन बन सकता है, इसको भी समझो आप जरा, मिनिमम कितनी एनर्जी का फोटोन फॉर्म हो सकता है ड्यू टू पेयर एनाइहिलेशन, मिनिमम कितनी एनर्जी का फोटोन फॉर्म हो सकता हैगा, अगर ये हम बात करें कितनी हो सकता है। देखो मिनिमम के लिए आप क्या करोगे, रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लोगे और रेस्ट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन लोगे। सर तो ये आपस में टकराएंगे कैसे, बेटे बहुत सारे तरीके होते हैं इनकी अपनी वेलोसिटी को यूज किए बगैर भी टकराने के, आप इनको फ्यूज कर सकते हो एक दूसरे में, ठीक है। मिनिमम एनर्जी के लिए ना आप सिर्फ वो एनर्जी रखते हो जो कि उस पार्टिकल को एग्जिस्ट कराने के लिए चाहिए होती है, एंड दैट इज नॉट काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था वो कौन सी है, रेस्ट एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, 2h nu के बराबर है। देखो अगर आपने ये पता करना है ना कि मिनिमम एनर्जी कितनी एनर्जी का फोटोन हो सकता है, तो सिंपल क्या करो कि भाई इलेक्ट्रॉन अपनी रेस्ट एनर्जी और फोटोन अपनी रेस्ट एनर्जी को कन्वर्ट कर दे दो फोटॉन्स की फॉर्मेशन में, तो ये हो जाएगा जनाब 2m0c² विल बी इक्वल टू 2h nu। ये हो जाएगा जनाब 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू एच न्यू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कम से कम आपके पास जब भी कभी ये होगा ना पेयर एनाइहिलेट होगा, तो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन जो के प्रोड्यूस होगी होगी, यानी कि कम से कम जिस एनर्जी का फोटोन लाजमी प्रोड्यूस हो गई होगा वो कितना है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इससे कम का प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एटलीस्ट अपनी रेस्ट एनर्जीज को तो करेंगे, ठीक हो गया। यहां तक हमें सारी की सारी कहानी अच्छे तरीके से समझ में आ गई, ठीक हो गया, यानी कि जो फोटोन ये अच्छा ये मिनिमम है, मिनिमम जो, अब इसका सवाल ऐसे आएगा कि आपके पास पेयर एनाइहिलेशन के अंदर, पेयर एनाइहिलेशन के अंदर जो फोटोन प्रोड्यूस होता है इसकी एनर्जी कितनी होती है, तो इसकी एनर्जी होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा। 0.51 तो इसलिए ना क्योंकि रेस्ट एनर्जी उन्होंने दे दी, अगर इत्तेफाक से वो रेस्ट एनर्जी रखने के साथ साथ मूव भी कर रहे थे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी थी, तो ऑब्वियसली जो फोटोन बन रहा होगा उसकी एनर्जी भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, ये हमारा पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनाइहिलेशन था। इसके बाद हमारे पास छोटी सी दो चीजें बाकी हैं, एक हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और एक डी ब्रॉय की थ्योरी है। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है भाई। अब चलो, अब पहले हम लोग जो है ना अपना डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस डिस्कस कर ले। अच्छा, डी ब्रॉय का जो हाइपोथेसिस है ना जनाब, इसको जो है ना डी ब्रॉगली नहीं कहते, ठीक है, इसको डी ब्रॉय कहते हैं, ठीक है, डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस, ठीक है। अच्छा, डी ब्रॉय साहब का जो हाइपोथेसिस है ये क्या है, बेसिकली ये कहलाता है वेव पार्टिकल डुअलिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, वो क्या होता है भैया, वेव पार्टिकल डुअलिटी ये है, देखो जो हमारी नेचर है ना ये बड़ी खूबसूरत है, नेचर जो है ना वो हर चीज में सिमेट्री ऑब्जर्व करती है, नेचर हर चीज में क्या ऑब्जर्व करती है, सिमेट्री। मतलब जैसे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ना ये बात देखी गई कि लाइट जिसको हम वेव समझते थे या लाइट जो कि वेव मानी जाती थी वो कैसे बिहेव कर रही है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, जिसके बाद ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट आया ना
लाइट का वेव पार्टिकल वाला, ठीक है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, कॉम्पटन इफेक्ट था, ये सब। तो लाइट जो कि बेसिकली वेव नेचर रखती थी, वो कैसे बिहेव कर रही है एज ए पार्टिकल। तो और लाइट है क्या, बीइंग वेव इन नेचर कैन बिहेव लाइक पार्टिकल, यानी कि देखा ये गया कि लाइट बीइंग वेव इन नेचर, बीइंग वेव इन नेचर कैन बिहेव लाइक पार्टिकल्स। तो डी ब्रॉय ने कहा कि नेचर सिमेट्री होल्ड करती है, तो इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिक तो नहीं किए मैं बता रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई भी पार्टिकल है, जो कि पार्टिकल है इन नेचर, इट कैन बिहेव लाइक वेव। ये है डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस, क्या लाइट बीइंग वेव इन नेचर कैन बिहेव लाइक पार्टिकल्स। अगर ये साबित हो चुका है, जो कि उस वक्त तक हो चुका था साबित, कहता है अगर ये चीज जस्टिफाइड है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन बीइंग पार्टिकल इन नेचर कैन बिहेव लाइक वेव, या इलेक्ट्रॉन की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, ह्यूमन बीइंग्स बीइंग पार्टिकल इन नेचर कैन बिहेव लाइक वेव। इसके इसको हाइपोथेसिस इसलिए कहा जाता है, जब आपने बचपन में कभी साइंटिफिक मेथड पढ़ा होगा ना, तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, आपके जहन में कोई ख्याल आता है, पहले आपके जहन में कोई क्या होता है, ख्याल आता है, ठीक है, वह कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आपके जहन में कोई ख्याल आता है साइंटिफिक मेथड के अंदर, फिर आप उस ख्याल को इवेलुएट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, या तो रिजल्ट ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ट्रू होता है तो वो थ्योरी बन जाती है, लॉ बन जाता है, फॉल्स होता है तो आप वापस जाते हो अपना ख्याल चेंज कर रहे होते हो, ठीक है, ये आपके पास है डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस। अब इसको अगर हम करते हैं, दिस विल बी लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन पी, ये इसका हाइपोथेसिस है। ये बेसिकली क्या करता है, ये हाइपोथेसिस एक वेव लाइक प्रॉपर्टी और एक पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी के दरमियान में रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन पी, ये क्या कर रहा है, ये एक वेव लाइक और एक पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी के दरमियान में रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ, ये बेसिकली आपके पास एक अदद वेव लाइक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये पी क्या है, पी हमारे पास है मोमेंटम, मोमेंटम किसका होगा, जिसका मास होता है, जैसे फोटोन के पास मूविंग मास होता है, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। तो अब जो वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी के दरमियान में एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करने की बात है, वो बेसिकली ये कर रहा हूं, लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन वी। अब इसी में ना एग्जामिनर आपसे एक और चीज पूछता है, उसको भी मैं यहां डिफाइन कर देता हूं। देखो मिसाल के तौर पे यहां पे मेरे पास एक कोई प्लेट है, एंड लेट्स से द प्लेट इज पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, ये एक प्लेट है, एक और प्लेट यहाँ पे, दो प्लेटें बना दी, एक प्लेट यहाँ पे, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट कैसी है, नेगेटिव है। इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में आपके पास कुछ ना कुछ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सिलरेट, आपने इसको कराना है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। आप बेसिकली क्या करते हो, आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देते हो जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो जो बेसिकली क्या हो रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं यहां से मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां से वी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, तो वी का वैल्यू क्या बन जाएगा, टू क्यू वी डिवाइडेड बाय एम अंडर रूट will be equal to क्या, v बन जाएगा ये चीज, v will be equal to under root 2 qv upon m। अब अगर मैं lambda वाली relation use करूँ, तो lambda will be equal to h upon p की जगह पे क्या आएगा, mv। और अगर मैं इस v की जगह पे ये जो अभी अभी हमने एक अदद relation find out किया है v का, ये अगर यहाँ लाके place कर दूंगा तो 2 qv upon आ जाएगा m। अगर इस वाले m को मुझे root के अंदर लेके जाना है, तो क्या बनेगा ये, lambda will be equal to h upon under root में ये m root के अंदर आया, तो m square लिख दूंगा इसको मैं, ठीक है, बाकी का सब as it is root के अंदर पहले से था, इसको मैं green से लिख रहा हूँ, 2qv upon m, और ये आपका जनाब root यहाँ पे हो गया पूरा, एक m से एक m मर गया, तो यहाँ पे आपके पास lambda वाली relation आती है, h divided by under root 2qv into m, ठीक हो गया। ये भी आपके पास डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस को लिखने का एक तरीका है, आप डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस ऐसे भी लिख सकते हो, ये है v, इसमें आपके पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, v आपके पास स्पीड नहीं है यहाँ पे, ये v आपका क्या है,
दिस वी इज द बेसिक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये वी आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, और ये वाला जो है ना लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी, ये आपके पास ये इसमें जो वी है ये बेसिक वी आपका स्पीड को शो कर रहा है, ठीक है, ये दोनों चीजें पूछता है इस तरह से। इसके भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको मैं आपको साथ में शेयर कर दूंगा। ये बेसिकली हमारे पास वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी थी। अब हमारे पास एक और चीज है, अब हमारे पास क्या है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो भी समझ लो जरा। उसके बाद देन हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कुछ लॉज हैं, उसको देखेंगे, देन हमारी कहानी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह इस चैप्टर की, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बचपन से आज तक जो आप चीज पढ़ते आते हो ना, आज इसको पहली बार ना कॉन्सेप्चुअली समझ लेना। हालांकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे, लेकिन इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका। देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में क्या पढ़ते हैं बचपन से, जिससे भी पूछो ना वो ये बोलते हैं यार इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम साइमल्टेनियसली डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, क्यों, विद 100% एक्यूरेसी। वो कहता है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद 100% एक्यूरेसी डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। वो कहता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। अच्छा कहीं कहीं पे एच कट भी लिखा मिलता है, ज्यादातर जगहों पे एच कट ही मिलता है, इसलिए मैं एच कट ही लिख रहा हूं, वरना हमारी किताब में जो जगह एच भी लिखा हुआ है। एच कट जो होता है, एच कट क्या है, एच कट आपके पास कहलाता है डिराक कॉन्स्टेंट। जैसे एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है ना, वैसे डिराक भी एक बहुत मशहूर फिजिसिस्ट गुजरा है, और इसका फॉर्मूला है एच अपॉन 2 पाई, और इसकी यूनिट है वैल्यू है 1.05 पावर -3/4, और यूनिट इसकी भी क्या है जनाब, जूल सेकंड। ये वैसे ही बता दी मैंने एक बार, ठीक है, तो ये इसके बराबर है। अच्छा अब सीन क्या है, डेल्टा एक्स जो है ना बेसिकली ये कहलाती है, ये चेंज नहीं है भाई, ये है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन या अनसर्टेनिटी इन डिफाइनिंग द पोजिशन, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन डिफाइनिंग द पोजिशन, ये है अनसर्टेनिटी इन डिफाइनिंग द मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन डिफाइनिंग द मोमेंटम, क्लियर हो गया। अब जरा यहां समझना, देखो जो आपके पास, अब यहां तक तो आपको, मुझे उम्मीद है यहां तक तो आप सबको ना पहले से भी पता होगा, यहां तक में कोई नई बात मैंने अब तक नहीं बताई, नई बातें अब शुरू होंगी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, वो जरा दिल थाम के सुन लेना। देखो जो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है ना, ये डायरेक्टली डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर, और जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है ये इनवर्सली डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कम हो जाएगी। देखो कैसे, ये तो आपको सिंपल यहां से पता चल जाएगा, लैम्डा बराबर है एच अपॉन पी के, यहां से आपको पता चल जाएगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वेवलेंथ के ऊपर इनवर्सली कैसे डिपेंड करती है। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करिए, इसको चलो एक मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने ऊपर ही मिसाल रख के बता देता हूँ, मिसाल देता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहे कि बिलाल पाकिस्तान के अंदर है, बिलाल को कहाँ ढूंढो, पाकिस्तान में ढूंढो जाके। अब बिलाल पाकिस्तान में कहीं भी हो सकता है, कराची में हो सकता है, या और बड़ा कर लो बिलाल पंजाब में हो सकता है, केपीके में हो सकता है, गिलगित साइड पे हो सकता है, बलूचिस्तान में हो सकता है, सिंध में हो सकता है। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी होती है शकूको शुभात, ठीक है, गैर यकीनी सूरत हाल, शक शुभा, ये होती है अनसर्टेनिटी। ये क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है, समझ आ गए, शको शुभा, ठीक है। तो मैं कहां कहीं भी हो सकता हूं, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अच्छा अब किसी ने आपको कहा पाकिस्तान के अंदर जाके सिंध में ढूंढो, तो पहले के मुकाबले में उसने जगह छोटी कर दी तो अनसर्टेनिटी कम होगी, क्यों, अब पाकिस्तान में ढूंढ भाई। अगर पहले मिसाल के तौर पे सिंध की 1000 लोकेशंस थी, पंजाब की 1000 थी, केबीके की 1000 थी, बलूचिस्तान की 1000 थी, गिलगित की 1000 थी, तो आपको 5000 लोकेशन में ढूंढना था, मैं 5000 में से किसी एक जगह हो सकता था। अब जब आपको उसने कह दिया सिंध में ढूंढो तो बाकी सब कट गई, आपकी सिर्फ सिंध की 1000 लोकेशन बच गई, तो अनसर्टेनिटी क्या हो गई, कम हो गई। मैंने और पिन पॉइंट कर दिया कि चलो सिर्फ कराची में ढूंढो जाके, मजीद लोकेशंस कम हो गई, तो आप जितना साइज कम करते जाओगे उतनी अनसर्टेनिटी क्या है, कम होती जाएगी। ये लिखा हुआ देखो, आप जितना वेवलेंथ कम करते जाओगे ना उतना अनसर्टेनिटी इन डिफाइनिंग द पोजीशन एक्यूरेटली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है, उतना अच्छे से एक्यूरेटली आप पोजीशन डिफाइन कर सकते हो। अब मुसीबत क्या है, मुसीबत यह है
कि डेल्टा एक्स वेवलेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और डेल्टा पी वेवलेंथ पे इनवर्सली डिपेंड करता है। अगर आप वेवलेंथ बढ़ाते हो, अगर आप वेवलेंथ क्या करते हो, ज्यादा करते हो, तो वेवलेंथ के ज्यादा करने से अनसर्टेनिटी इन डिफाइनिंग द पोजिशन बढ़ जाएगी और अनसर्टेनिटी इन डिफाइनिंग द मोमेंटम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि आप मोमेंटम एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हो जबकि आपकी जो पोजीशन है ये पोजीशन क्या हो जाएगी, दिस पोजीशन विल बी अनसर्टेन, ये गैर यकीनी हो जाएगी। वाइस वर्सा अगर आप वेवलेंथ को कम करते हो तो अनसर्टेनिटी इन डिफाइनिंग द पोजीशन वो कम हो जाएगी, आप पोजीशन को सर्टेनिटी के साथ डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मोमेंटम डिफाइन करने की अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी जनाब, बढ़ जाएगी। तो आप मोमेंटम आपका अनसर्टेन हो गया जबकि पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी, पोजीशन आपकी सर्टेन हो जाएगी या पोजीशन आप एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हो। और ये जो दोनों अनसर्टेनिटीज होती हैं, इन दोनों अनसर्टेनिटीज का जो प्रोडक्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली एच कट के बराबर होता है, या इसको हम लोग एच बी लेते हैं कभी कभार, छोटा इतना होता है फर्क ही नहीं पड़ता ना, एच क्या 6.634 पावर माइनस 34, एच कट क्या 1.05 पावर माइनस 34 जूल सेकंड। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, शायद कुछ नई चीज सीखी होगी आपने इसके अंदर। इन दोनों की अनसर्टेनिटीज का जो प्रोडक्ट है दैट विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। उम्मीद है यहां तक सारी की सारी कहानी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमारे पास जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लास्ट के चंद एक कहानियां हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत तफसील है तो मैं बिल्कुल वही बताऊंगा जो हमारे मतलब की है, ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे। अच्छा बेटे, अब हमारे पास जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास ना ब्लैक बॉडी क्या होती है, देखो ब्लैक बॉडी से मुराद है हमारे पास कोई भी एक ऐसी आइडियल बॉडी। अच्छा, ब्लैक बॉडी से मुराद एक तो ये ख्याल कर लेना ये कोई काली बॉडी नहीं है, ठीक है, मतलब कोई लाजमी नहीं है कोई काली बॉडी हो, किसी भी रंग की हो सकती है, ठीक है, कोई आइडियल बॉडी जो परफेक्ट एब्जॉर्बर भी है और परफेक्ट इमिटर भी है। यानी कि ये रेडिएशंस इमिट भी करती है तमाम और ये इमेजेंस एब्जॉर्ब भी करती है, ठीक है। रेडिएशन जो है वो इसके ऊपर जो इंसिडेंट होती है, रेडिएशन से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब भी करने की बहुत अच्छी सलाहियत रखती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करने की भी बहुत अच्छी सलाहियत रखती है, ठीक हो गया। अच्छा, आप अगर कभी भी किसी बॉडी को हीट करते हो तो अल्टीमेटली वो क्या करती है बॉडी, देखो जब भी आप किसी बॉडी को हीट करते हो अल्टीमेटली बॉडी हीट होने के बाद रेडिएशंस इमिट करती है। ये एक बेसिक सा लॉ है कि जब भी कोई बॉडी हीट होगी तो वो रेडिएशंस इमिट करेगी, और याद रखिएगा वो जो रेडिएशन इमिट करेगी ना वो हर वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगी, ठीक है, वो तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगी, लेकिन तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन एक जितनी नहीं होगी, कोई ज्यादा होगी कोई कम होगी, ठीक है। तो हम जिस रेडिएशन को पढ़ते हैं ना या जिसका हम ग्राफ ग्राफ प्लॉट करेंगे वो होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली रेडिएशन। मिसाल के समझ, देखो आपने किसी भी बॉडी को हीट किया तो हर बॉडी को जब आप हीट करोगे, चाहे आप ज्यादा हीट करो, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ या टेम्परेचर कम करते चले जाओ, जो वो रेडिएशन इमिट करेगा वो हर तरह की रेडिएशन इमिट करेगा। मिसाल के तौर पे अगर वेवलेंथ हमारे पास, मिसाल दे रहा हूँ समझने के लिए, 1 से लेके 10 तक है, मिसाल दे रहा हूँ कि दुनिया भर की जितनी वेवलेंथ अगर मैं इनको क्लासिफाई कर लूँ कि ये 1 से लेके 10 तक है, तो जो भी आप बॉडी हीट करते हो वो 1 से लेके 10 तक तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है वो वेवलेंथ जो लैम्डा इक्वल्स 2 वाली रेडिएशन ज्यादा इमिट कर रहा हो, बाकी सब कम कर रहा हो, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन दैट इज बीइंग इमिटेड एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की रेडिएशन है जो कि बेसिकली इमिट हो रही है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक कोई टेम्परेचर मान लो T1 के ऊपर। अब जब आपने टेम्परेचर शिफ्ट कर दिया, मान लो आपने इसको मजीद हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, T2 हो गया। जब टेम्परेचर T2 हो गया, अब लेट से 2 वाली नहीं इमिट हो रही, अब लेट से 5 वाली इमिट हो रही है। अब मैं कहूंगा दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन, यानी कि 1 से लेके 10 तक तमाम रेडिएशन इमिट हो रही है, उसमें लैम्डा इक्वल्स 5 वाली, यानी कि लैम्डा इक्वल 5 वेवलेंथ वाली रेडिएशन की तादाद सबसे ज्यादा है। तो मैं कहूंगा ये किसके ऊपर है जनाब, ये T2 के ऊपर है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्लैक बॉडी क्या चीज है।
ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है दैट एब्जॉर्ब्स एंड इमिट्स द रेडिएशंस ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स फॉलिंग ऑन इट, ये ऐसी बॉडी कहलाती है ब्लैक बॉडी। फिर हमने एक बात करी कि जब भी आप किसी सॉलिड बॉडी को हीट करते हो तो बॉडी ग्लो करती है और वो रेडिएशन क्या करती है, इमिट करती है। ये जो रेडिएशन इमिट करती है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, इसका मतलब समझना चाहिए। ये मैंने सिर्फ मिसाल दी थी, इसको रट्टा मत मार के बैठ जाना, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की वेवलेंथ नहीं होती, वेवलेंथ नैनोमीटर या मिलीमीटर इस तरह के उसमें चल रही होती, ठीक है। तो हमारे पास ये जो रेडिएशन इमिट हो रही होती है, क्योंकि आगे जो हमने जितने भी लॉस पढ़ने हैं वो सारे इसी को डिफाइन करेंगे, जो रेडिएशन इमिट होती है ना, अच्छा जहां पे रेडिएशन की बात कर रहा है वहां याद रखना ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली रेडिएशन की बात कर रहा है। मैं ग्राफ से भी समझाता हूँ इसको। मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली रेडिएशन किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। मतलब आपके पास जब लो टेम्परेचर होगा बॉडी को, यानी कि आपने इसको थोड़ा सा हीट किया है, जब लो टेम्परेचर होगा तो जो रेडिएशन इमिट होंगी ना मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली, ये बेसिकली हमारे पास लॉन्गर साइड की वेवलेंथ होंगी। अब ये आपका एक पुराना एमसीक्यू है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करते जाओगे, यानी कि एज यू विल गो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को हॉट करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बॉडी को हीट अप करते जाओगे, अल्टीमेटली जो मैक्सिमम इंटेंसिटी इमिट हो रही होगी वो क्या होगी, वो शॉर्ट होती जाएगी, ठीक है। मतलब जो वेवलेंथ है वो क्या होती जाएगी, शॉर्ट होती जाएगी। यानी कि पहले आपके पास, जैसे अगर आपको याद होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे पास जो है ना, वो जो चूल्हे वाली आग होती है वो होती है। आप देखो आपके पास जो विबग्योर होता है, विबग्योर के अंदर हमने पढ़ा था जो रेड होता है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, 700 नैनोमीटर, और वायलेट हमारे पास क्या है, वायलेट हमारे पास क्या है, वायलेट हमारे पास है 400 नैनोमीटर। इसका मतलब अगर एक सॉलिड बॉडी हीट करने पे वायलेट लाइट दे रही है और एक सॉलिड बॉडी हीट करने पे रेड लाइट दे रही है, तो जो वायलेट वाली है ना वो ज्यादा गर्म हुई हुई है, रेड वाली कम गर्म है। इसका मतलब घर की चूल्हे की आग में भी देखो ऐसे ही होता है, जो बेस होती है वहां ब्लू होता है, ऊपर रेड फ्लेम्स होते हैं, बेस ज्यादा गर्म होती है वहां ब्लू फ्लेम्स होंगे, ऊपर क्या है वो ऊपर आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास जो है वो बेसिकली रेड रेड या ऑरेंज सी लाइट नजर आ रही है, तो वो बेसिकली हाई साइड के ऊपर वेवलेंथ है, तो वहां टेम्परेचर अभी लो है। जो बेस है जहां ब्लू ब्लू नजर आ रहा है वो बेसिकली आपके पास क्या है, हाई टेम्परेचर है, क्योंकि वो शॉर्ट साइड के ऊपर आपका क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, ठीक है। यानी कि एट लो टेम्परेचर द इमिटेड रेडिएशन हैज अ लॉन्ग वेवलेंथ, व्हाइल एट हाई टेम्परेचर द इमिटेड रेडिएशन हैज अ शॉर्ट वेवलेंथ। अच्छा, इसके अंदर एक ग्राफ आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, ये ग्राफ हमारी किताब में है, सिन बोर्ड के अंदर तो खैर इतना अच्छा नहीं दिया हुआ, ये मैंने बलूचिस्तान बोर्ड की किताब से दिया, ठीक है। ये देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटेंसिटी को प्लॉट किया है अगेंस्ट वेवलेंथ। अब अगर आप यहाँ पे अच्छे से ग्राफ देखोगे ना, ये देखो जो मैंने नीचे पिंक पिंक सा ग्राफ बना हुआ है, ये पिंक वाला ग्राफ देखो, आपको नजर आ रहा है कि बेसिकली तमाम ही वेवलेंथ इमिट हो रही है, कोई वेवलेंथ ज्यादा है कोई वेवलेंथ कम है, तो 2000 केल्विन के ऊपर ये पर्टिकुलर वेवलेंथ मैक्सिमम इमिट हो रही है, फिर 3000 केल्विन के ऊपर जो वेवलेंथ मैक्सिमम इमिट हो रही है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है, फिर 4000 केल्विन के ऊपर जो वेवलेंथ मैक्सिमम इमिट हो रही है वो और पीछे शिफ्ट हो गई है। यानी कि आप ये पीक देखो जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ये पीक देखो, ये पीक आहिस्ता आहिस्ता आपको पीछे जाती नजर आ रही है। ये बता रहा था मैं कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बेसिकली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है 2000 से 3000, 3000 से 4000, तो जो जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है जो इमिट हो रही है, देखो इमिट तो सारी हो रही है ना, ये वाला भी अगर आप ग्राफ देखोगे, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में देखो सारी वेवलेंथ इमिट हो रही है, मतलब हाँ कोई ज्यादा हो रही है कोई कम हो रही है, ये वाली वेवलेंथ सबसे ज्यादा इमिट होगी, ठीक है, तो वो बेसिकली आपके पास क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक हो गया। यानी कि हमने क्या बात सीख ली, हमने ये बात सीख ली कि आप जब कभी भी बढ़ाते जाओगे, ठीक है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ द रेडिएटेड एनर्जी वेरीज विद द टेम्परेचर, यानी कि आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे अल्टीमेटली वेवलेंथ उतनी शॉर्ट साइड पे जाती जा रही है, या एनर्जी उतनी क्या हो रही है, ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन इनवर्स है, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती है, एंड इट शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वैल्यू एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। अब ये ऑब्जर्वेशन थी ब्लैक बॉडी का, जो ऑब्जर्वेशन था ना, ये ऑब्जर्वेशन था, क्या ऑब्जर्वेशन था,
कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली रेडिएशंस दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। अब ये आपके पास एक ऑब्जर्वेशन थी। अब ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए, ठीक है। अब वो हमने बारी बारी चारों लॉस पढ़ने, पहले तो बेसिक ऑब्जर्वेशन देख लो, सबकी बेसिक ऑब्जर्वेशन क्लियर है। ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे आप किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, कैविटी का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, तो वेवलेंथ जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो अल्टीमेटली शॉर्टर साइड के ऊपर शिफ्ट होती चली जा रही है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लॉस थे, जिसमें से पहला लॉ हमारे पास था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। ये हमारे पास जिसमें स्टीफन भी कहते हैं इसको, स्टीफन भी कहते हैं, जो मर्जी नाम दे दो, कौन सा उसने आके पूछना है आपसे, ठीक है, पर समझ में आना चाहिए। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहला काम किसने किया जनाब, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये लॉ कहता है द टोटल एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या मतलब, इसने इसको ऐसे लिख दिया कि E is directly proportional to T to the power 4। यहां पे एक चीज समझ लेना कि यहां पे E से मुराद एनर्जी नहीं है, सिर्फ एनर्जी नहीं है, E से मुराद है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। यानी अगर मैं इसको डिफाइन करूं ना, ये है, ये पूछी जा सकती है सब चीजें। वैसे तो NAD में नहीं आता ये इतना कुछ, लेकिन एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये चीज है। तो इसकी इसकी यूनिट भी क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर, बेसिक हो गया। जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट, तो अक्सर आपको इसकी यूनिट किताबों में लिखी मिलेगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये कहता है जनाब द टोटल एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो भी बढ़ेगी, हमें भी पता है ये बात तो नजर आ रही है, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा E will be equal to sigma T to the power 4। ये सिग्मा कहां से आया, बेसिक बात है ना, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, ये कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या सिर्फ स्टीफन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है जनाब, इस सिग्मा की वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है 5.67 10 टू द पावर माइनस 8 5.67 10 to the power minus 8। अगर इसकी यूनिट निकालनी हो तो यूनिट का तो देखो रट्टा मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आप यूनिट यहां से निकाल लो, सिग्मा इक्वल E डिवाइडेड बाय T की पावर 4। अब अक्सर बच्चे भंड मारते हैं E को जूल लिख देते हैं, अबे जूल नहीं लिखना है, ये है वॉट पर मीटर स्क्वायर अपॉन में, एक टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है केल्विन, तो ये क्या बन जाएगा वॉट केल्विन पावर माइनस 4 मीटर पावर माइनस 2। ये यूनिट होती है हमारे पास स्टीफन कॉन्स्टेंट की, ये पूछ सकते हैं, ये आपका पहला लॉ था इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, ये लॉ आ गया। अच्छा ये लॉ जो है ना, अच्छा जो हम पहले दो लॉ पढ़ रहे हैं ना, पहले मैंने पढ़ाया आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होता है जिसको आपने केल्विन में रिप्रेजेंट किया होता है, और यही बेसिकली आपका एसआई यूनिट भी है टेम्परेचर का, ख्याल करना है इस बात का, ठीक है। ये कोई भी जो है ना पूरे कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है, जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है और जो इसके बाद पढ़ेंगे ना वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं, उसे वीन्स लॉ भी कहते हैं, दोनों एक शॉर्टर वेवलेंथ को डिफाइन कर पा रहा है, एक लॉन्गर वेवलेंथ को डिफाइन कर रहा है, तीसरा वाला इनमें थोड़ा होशियार था, उसने इन दोनों को मिला के अपना नाम पब्लिश करने के लिए एक लॉ चिपका दिया, ठीक है। तो वो बताता हूँ आपको, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और वीन्स लॉ, एक शॉर्टर वेवलेंथ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब जब इनके लॉ की बेसिस के ऊपर ये ग्राफ को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो एक के केस के अंदर शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर ओबे होता है लॉन्गर वेवलेंथ पे, फिर डेविएशन आ जाती है, और एक के केस के अंदर लॉन्गर वेवलेंथ पे ओबे होता है शॉर्टर वेवलेंथ पे डेविएशन आ जाती है। अभी आपको बना के दिखाता हूं। अच्छा अगला लॉ हमारे पास था जनाबे वाला वीन साहब का, इन्होंने किसकी बात की थी, स्टीफन साहब ने किसकी बात की थी, स्टीफन साहब ने एनर्जी की बात की थी, वीन साहब ने वेवलेंथ की बात करना शुरू कर दी। अच्छा कैसे करी वो भी देख लेते हैं। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कह रहे वेवलेंथ विद द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। जैसे हमें तो पता ही नहीं था, मतलब ये वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई है ना ऑब्जर्वेशन के साथ, यही चीज यहाँ पे एज इट इज इसमें पता है, ठीक है। ये देखो ये इसका लॉ हो गया, ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ
The wavelength with the maximum intensity in the radiation, यानी कि वो wavelength जिसकी maximum intensity emit हो रही है, this is inversely proportional to the temperature of the black body. Temperature बढ़ेगा, तो वो radiation जिसकी maximum intensity है, यानी कि वो radiation सबसे ज्यादा emit हो रही है, वो shorter side पे shift हो जाएगी, ये तो हमें वैसे भी पता है, ठीक है? तो lambda is inversely proportional to T. That is, with the increasing temperature, the peak of the distribution shift toward the shorter wavelength. Peak कहाँ shift होती है? Shorter wavelength की तरफ. ये वही बात है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी ग्राफ में. देखो मैं ऊपर दिखा भी देता हूँ. Peak shift होती है toward. मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये इस तरह से बताऊं कि यार आपको ये चीज पहले से नहीं पता. Peak कहाँ shift हो रही है? Towards the shorter wavelength. ये देखो. Peak कहाँ shift हो रही है? Towards the shorter wavelength. ये peak है ना ग्राफ जो मैंने डॉट बना के दिखाए थे. Towards the shorter wavelength. अब जाहिर सी बात है जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा अल्टीमेटली लैम्डा एम इनटू टी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. अच्छा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का आपको एक बड़ा अहम फायदा बता देता हूं मैं. ब्लैक बॉडी में जो हम लॉस पढ़े ना इन्हीं लॉस की मदद से हम सन का टेम्परेचर स्टार का टेम्परेचर या हमारे पास जो दीगर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनका टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हैं. यहीं से करते हैं वो डिफाइन. ये यहां जो कांस्टेंट होता है हमारे पास वो कहलाता है वेन्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हमारे पास है 2.9 इंटू 10 की पावर मेरा ख्याल है -3 होती है कि -4 होती है कंफर्म कर ले तो -3 होती है ठीक है. और इसकी यूनिट भी आ जाएगी आपके पास लैम्डा की यूनिट क्या होती है मीटर और आगे उसकी यूनिट क्या है केल्विन. ठीक हो गया. अब ये हमारे पास जनाबे वाला एक मसला हो गया क्लियर हो गया. अच्छा अब जो आपका अगला लॉ है वो अगला लॉ बेसिकली कोई नई चीज नहीं है. अगला लॉ आपका इन्हीं दोनों को मिला के निकला यानी कि आपने अभी क्या पढ़ा आपने अभी एक लॉ पढ़ा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4. एक आपने पढ़ा वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. क्लियर बात है ना यही पढ़ा आपने और तो कुछ नहीं पढ़ा. अगर मैं इसके अंदर इस वाले वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर दोनों तरफ पावर 4 कर लूं तो ये लैम्डा की पावर 4 विल बी इक्वल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 यानी कि यह बन जाएगा टी की पावर 4 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4. बात समझ में आ गई. अब आप देखो जरा इसको इसको ये साथ साथ याद रखने का तरीका भी बताता जा रहा हूं और साथ देखो आप इसको अगर मैं इन दोनों को मिला लेता हूं तो ये ऐसे ही बन जाएगा E is inversely proportional to lambda to the power 4 आया ना ये चीज बन जाएगी. ये कहलाता है रेले जीन्स लॉ. ये क्या कहलाता है जनाब दिस इज. अच्छा ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होता ये ऐसे इतना मिला के इतना सिंपल नहीं होता है जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक है. इसके पीछे और भी पूरी कहानी है लेकिन वो चूंकि भी जानना जरूरी नहीं है इसलिए मैंने उसको बाईपास कर दिया. रेले जीन्स लॉ. रेले जीन्स लॉ की एक पूरी हमारे पास ना कहानी है इसको पूरा ड्राइव करते हैं ठीक है. तो ये आता है हमारे पास 8 pi kT डिवाइडेड बाय हमारे पास ये होता है लैम्डा टू द पावर 4. अब ई से क्या मुराद है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम 8 pi कॉन्स्टेंट है. के आपका होता है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट जो आपने हीट में भी पढ़ा था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ठीक है. K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन. 1.38 पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन. T आपका टेम्परेचर है जो कि केल्विन में है और ये लैम्डा तो पता ही है ना क्या है वेवलेंथ कौन सी वाली जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली यानी कि वो रेडिएशन जो सबसे ज्यादा इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ ठीक है. ये आ गया हमारे पास. अब ये जो आपने तीनों लॉस पढ़ लिए ना अब इन तीनों लॉस के अंदर मसला क्या इन तीनों लॉस के अंदर मसला ये है कि वो जो आपका ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना जो आपने पढ़ा हुआ था ये वाला जो आपका कर्व है ये पूरा कोई भी डिफाइन नहीं कर पा ठीक है. ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है. ये पूरा जो है ना कोई भी डिफाइन नहीं कर पा रहा. एक आपके पास लोअर साइड पे डिफाइन कर रहा है मतलब ये आपके पास जो बेसिकली ये रिले का तो अलग से कोई लॉ काउंट ही नहीं होगा ना ठीक है. या अगर आपने रिले का लॉ काउंट करना है और आपने स्टार्ट वाला लॉ काउंट करना है मर्जी आपकी कोई से भी दो कंसीडर कर लो क्योंकि ये दो को मिला के तो तीसरा बना है ठीक है. तो अगर मैं वेन्स लॉ की बात करूं और रेले जीन्स लॉ की बात करूं तो ये दोनों क्या कर रहे हैं ये दोनों बेसिकली एक एक एस्पेक्ट बता रहे हैं बस ठीक है. एक लोअर साइड के ऊपर मतलब एक जो है ना वो लोअर साइड के ऊपर बात कर रहा है एक हायर साइड पे बात कर रहा है. ऐसा भी मैं बता दूं क्या हुआ जैसे आपके पास जो वेन्स का फॉर्मूला है ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए तो बहुत अच्छा है. जो वेन्स का फॉर्मूला है ये शॉर्ट वेवलेंथ के ऊपर एक्सीलेंट काम कर रहा है ठीक है. और अगर आप वेन्स के लॉ का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो अल्टीमेटली ग्राफ जो है ना वो इस तरह से जाना शुरू हो जाता है ये ऐसे जाएगा. ये जो मैंने ब्लू से बनाया है ना ये वेन्स का ग्राफ है यानी कि
शॉर्ट वेवलेन के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है, शॉर्ट वेवलेन जैसा आपका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वैसे ये भी बताता है, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन लॉन्ग वेवलेन के ऊपर ये डेविएट कर जाता है एक्चुअल वाले से, ठीक है। वेन्स फॉर्मूला कैन अप्लाई फॉर दोज रेडिएशन दैट हैव शॉर्ट वेवलेन, जबकि रेले जीन जो है ये लॉन्ग वेवलेन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, लॉन्ग वेवलेन के ऊपर ये बिल्कुल सही काम करता है, लेकिन उसके बाद ये ऐसे निकलना शुरू हो जाता है, ये ऐसे, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ, किताब में भी बना भाई, ऐसे जाना शुरू हो जाता है। लॉन्ग के ऊपर अच्छा काम करता है लेकिन उसके बाद शॉर्ट के ऊपर ये काम नहीं करता, ये भी आपसे अब माजी में पूछा गया है, ठीक है। नेस्ट वगैरह के अंदर एनीथिंग में नहीं पूछता, ठीक है। इसको क्या लिखूं मैं, शॉर्ट के ऊपर, शॉर्ट के ऊपर ये एग्री करता है और लॉन्ग के ऊपर एग्री नहीं करता, यहाँ पे कर देते हैं। रिले वाला जो है ना वो क्या करता है, लॉन्ग के ऊपर एग्री कर रहा है और शॉर्ट के ऊपर एग्री नहीं कर रहा, ठीक है। इसका भी अगर मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये बल्कि इसकी वो मुश्किल हो जाएगी, छोड़ दो जाने में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास मसला था, मतलब वेन्स का और रेले जीन्स लॉ जो था ना, ये आपके पास पूरे डिफाइन नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद हमारे पास आते हैं वो मशहूर जमाना हमारे मैक्स प्लांक साहब, उन्होंने दी हमारे पास अपनी प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी, और जिसके बाद आपका ब्लैक बॉडी का जो कंप्लीट कर्व है वो बेसिकली हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, जस्टिफाई होना शुरू हो जाता है। इन्होंने कहा कि आप जो है वो आप जो एनर्जी वो बेसिकली रेडिएट कर रहे हैं ना उसको आप समझो, उसको अगर मैं बिल्कुल आसान करके बताऊं, जो ये रेडिएशन एमिट कर रहा है इसको आप अज्यूम करो कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास फोटॉन्स हैं, और ये जो फोटोन है ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, या आप कह लो कि इसके साथ वेवलेंथ कैसी होती है, इनवर्स होती है, वही जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं ना जब से। ये सारी की सारी कहानी आपके पास किसने की थी, मैक्स प्लांक ने करी, ई इक्वल्स एच न्यू या एच एफ या E equals HC divided by lambda, ये इसने कहा। और H आपके पास वो ये प्लांक्स का कांस्टेंट है 6.63 power minus 3 4, इसकी बेसिस के ऊपर आपके पास जो है ना ये पूरी की पूरी कहानी अच्छे तरीके से डिफाइन हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज हम और भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी स्टार्ट में बताया था ना कि जो फोटोन होता है, फोटोन के बाद मोमेंटम भी होता है, अगर आपको मोमेंटम भी मालूम करना हो तो वो भी देखो हम निकाल सकते हैं। आपको आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्वेशन पता है, E equal MC square। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं आपस में, इन दोनों एनर्जी की इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ये बन जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी मर जाएगा, ठीक है। यानी कि एच अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू एम सी, एम सी क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये क्या है, रिलेटिव मास ऑफ फोटोन, भाई ये फोटोन का रिलेटिव मास है ना, क्योंकि फोटोन एग्जिस्ट ही अपने मास की वजह से करता है, मूवमेंट की वजह से करता है। ये क्या है, ये है हमारी स्पीड ऑफ फोटोन, ठीक है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन पी। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास फोटोन का, फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला। यानी कि अगर कभी पूछा जाए ना कि जनाब फोटोन का जो मोमेंटम है इसको बेसिकली आप डिफाइन कर दो, ठीक है। अच्छा, मैंने ये कहीं नहीं बताया कि रेले जीन्स लॉ और वेन्स लॉ कैसे या क्यों एक एस्पेक्ट को डिफाइन कर रहे थे और प्लांक क्यों पूरे को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि वो फिर तफसील में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको मैंने जाने दिया, लेकिन बाकी मैंने चार लॉज आपको पूरे पढ़ा दिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पार्ट हमारा पूरा हो गया। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यार ये कैसे जो है ना, क्या मसला था, ब्लैक बॉडी था क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या था उसका, इंटेंसिटी वेवलेंथ का, ऑब्जर्वेशन क्या थी, फिर उसके बाद जो डिफरेंट फिजिसिस्ट ने लॉज दिए थे उसमें क्या मसले थे, फिर प्लांक ने आके क्या मसले का हल निकाला, ठीक है। यहाँ पे हमारा मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर खत्म होता है, उम्मीद है मजा आया होगा और आपने चीजें सारी की सारी अच्छे से समझ ली।